गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, मैं ईएडी एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ऑफलाइन रहा है। और ऑनलाइन में हम पहली बार ईएडी एकेडमी के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारे सिलेबस रहेगा वो कवर करेगा सारा SSC, UK SSS खासकर, और सभी स्टेट लेवल के JEE प्लस AE के एग्जामिनेशन। तो यहाँ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक टॉपिक से जो आपका एक तरह से डेमो लेक्चर भी समझ सकते हैं आप। बाकी सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा हम बाद में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ या एक सब्जेक्ट बोलूँ तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो सर्वेइंग अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और ख़ासकर ये डिप्लोमा लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसका भी अगर मैं एक टॉपिक उठाऊं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, वो है कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वेइंग के कुछ टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि पूरे टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली कंपास सर्वेइंग के कुछ टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और हमारे ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो काफ़ी मोर देन 50+ स्टूडेंट आपके इसी उत्तराखंड के अंदर सेलेक्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, PWT, इरिगेशन, पेयजल वगैरह, ये सारों में। तो काफ़ी लोगों के लिए हम नोन चेहरे भी हो सकते हैं। तो आज हम बाकी बातों को साइड रख के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका कंपास सर्वे, ठीक है? तो बेसिकली पहले बात आती है कंपास सर्वेइंग होता क्या है और हम क्या करते हैं इस टाइप की सर्वेइंग। तो बेसिकली किसी भी लाइन की अगर हमने डायरेक्शन मेजर करनी है तो हम यूज करते हैं कौन सी सर्वेइंग? कंपास सर्वेइंग। इट इज यूज टू मेजर या टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, या डायरेक्शन को ही हम बोल सकते हैं बियरिंग भी। क्या बोल सकते हैं? बियरिंग भी, ठीक। अब अगर हम बियरिंग की बात कर रहे हैं तो बियरिंग को नापने के भी अपने अलग अलग तरीके हैं, या किस किस तरीके से बियरिंग को मेजर किया जाता है। तो बेसिकली बियरिंग मेजर करी जाती है आपके दो तरीके से। तो सबसे पहला जो होता है आपका वो होता है WCB, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो होता है QSB, ठीक है। तो यहां पर जो WCB है उसको हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग। क्या बोलते हैं? होल सर्कल बियरिंग। तो दो तरीके मैंने आपको बताए जिससे हम बियरिंग को मेजर करते हैं। पहला तरीका आपका था होल सर्कल बियरिंग। अब होती क्या है होल सर्कल बियरिंग? देखो सर्वेइंग में अगर आप घुसे हैं तो आप, अगर मैं आपको बताऊं, आपने इतने सारे फॉर्मूले देखे होंगे सर्वेइंग में, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग से, आप अगर आप देखो पहले चैप्टर से लेके, तो डिफरेंट डिफरेंट आपने फॉर्मूले देखे हैं। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ आप सर्वेइंग बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हो, केवल केवल आर्ट के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू। बट उसके लिए आपको इनके फैक्ट को समझना पड़ेगा और कोई भी चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं होल सर्कल बियरिंग। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस आपकी चार डायरेक्शन होती हैं क्योंकि हम मेजर क्या करेंगे कंपास सर्वेइंग में? केवल और केवल डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा इस तरीके से देखा जाता है डायरेक्शन में। पहली डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, दूसरी आपकी इसी के नीचे होती है साउथ, ये होती है आपकी वेस्ट, और ये होती है आपकी ईस्ट। तो इतना तो सबको क्लियर ही होगा, नहीं भी होगा तो आप समझ लीजिए ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। अब इसी में अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो ये होता है दोस्तों आपका, सबसे पहले आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को ज्यादा अच्छा हम समझेंगे QSB में, और जहां पर QSB का फुल फॉर्म ही क्या है? क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कोई बोलता है ये होता है, कोई बोलता है ये होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपको कंफ्यूजन के लिए बता दूं, ये आपका जो रहेगा ये आपका हमेशा क्या रहता है? सेकेंड क्वाड्रेंट रहता है इन केस ऑफ सर्वेइंग। बिकॉज आप अगर मैथमेटिकली देखें, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो हम ऐसे चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
बट अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है ऐसा क्यों भैया, यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम ऐसे पढ़ के आए हैं और आप बोल रहे हो कि आप यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ इसलिए बोला है क्योंकि सर्वेइंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके डिजाइन होते हैं वो ज्यादातर किस पैटर्न में डिजाइन होते हैं, क्लॉकवाइज पैटर्न में। किस पैटर्न में डिजाइन होते हैं, क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पढ़ते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू सी बी क्या होता है, देखो डब्ल्यू सी बी का मतलब होता है होल सर्कल बियरिंग। क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग। अब होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है पूरा या पूर्ण। ठीक है ना, तो डब्ल्यू सी बी में बस आपको एक जो मोटी मोटी चीज जो एग्जैक्टली याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि डब्ल्यू सी बी में हमेशा जो बियरिंग होगी, बियरिंग यहां पर आप बियरिंग को एंगल भी समझ ले सकते हैं, तो जो बियरिंग होगी हमेशा कौन सी डायरेक्शन से ली जाएगी, केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन से आपकी बियरिंग को मेजर किया जाएगा। तो डब्ल्यू सी बी क्या बोलता है कि बियरिंग जो होगी या एंगल जो होगा केवल और केवल कौन सी डायरेक्शन से लिया जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। क्या बोला इसने कि जो बियरिंग होगी वो केवल और केवल कौन सी डायरेक्शन से ली जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन से। और दूसरी चीज ये बोली क्लॉकवाइज ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, क्लॉकवाइज। क्योंकि आप देखें अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन ये पढ़ता हूं तो ये नॉर्थ है आपकी, ये आप ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, आप ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बस आपने एक चीज आपको जो मोटी मोटी आपने एग्जैक्टली याद रखनी है कि नॉर्थ डायरेक्शन से ही केवल बियरिंग ली जाएगी और किस पैटर्न में ली जाएगी, क्लॉकवाइज पैटर्न में। किसके लिए, होल सर्कल बियरिंग के केस में। ठीक है, आपको मैं ज्यादा फॉर्मूले में ना ले जाके इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व करूंगा जो आपको आती हैं। अभी देखें अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करता हूं तो आपको पता होगा ये मेरा नॉर्थ, अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरा यहां पर कितना रहेगा, क्या रहेगा, जीरो डिग्री। अगर मैं क्लॉकवाइज में घूमता हूं तो ये देखिए ये क्या बन रहा है आपका, आपके एक राइट एंगल। तो ईस्ट में पहुंचते ही ये लाइन कितनी हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसी आप साउथ में पहुंचेंगे तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ऐसी आप वेस्ट में पहुंचेंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 270 डिग्री। और ऐसी आप इधर दोबारा आके एक राउंड मार लेंगे तो एक सर्कल टाइप का फॉर्म हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आपको पता चल गया, अगर मैं इससे इसके बीच में बोलूं, मतलब मैं बात करूं किसके, नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में, तो जो मेरा एंगल बनेगा ये तो मेरे समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं जीरो से लेकर 90 के बीच का ही एंगल होगा। मतलब वो हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, अप टू कहां तक जा सकता है वो, 90 डिग्री तक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई एंगल 120, तो आपको समझ में आता है अगर मैं डब्ल्यू सी बी बोलूंगा तो डब्ल्यू सी बी ने तो केवल क्या बोला, नॉर्थ डायरेक्शन से ही लेना, तो और कैसे लेना, क्लॉकवाइज। तो 120 कहीं ना कहीं कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, क्योंकि 120 देखें तो आप किसके बीच में बनता है, 90 और 180 के बीच में। तो 120 आपका कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर ऐसे ही मैं 210 बोल दूं तो 210 आपका कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं होगा, 180 और 270 के बीच में ही होगा। और अगर मैं बोलूं 320 डिग्री तो आपको समझ में आता है 320 कहीं ना कहीं 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि डब्ल्यू सी बी क्या कहता है, किसी भी लाइन की बियरिंग नॉर्थ डायरेक्शन से और केवल किस पैटर्न में ली जाएगी, क्लॉकवाइज। तो अगर यहां कोई लाइन होगी तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो लाइन होगी वो कहां से कहां तक वेरी कर रही होगी, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो जीरो से लेकर 90 डिग्री, तो डब्ल्यू सी बी अगर मैं बोलूं तो डब्ल्यू सी बी ने क्या बोला, हमेशा नॉर्थ से होना चाहिए और कैसे पैटर्न में होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो ये एंगल जो, या जो ये भी जो जो भी ये वियरिंग होगी, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, ये एंगल इस लाइन की क्या कहलाई जाएगी, डब्ल्यू सी। ठीक है, यहां कोई लाइन होती दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका अगर मैं डब्ल्यू सी बी की बात करता तो डब्ल्यू सी बी ने क्या कहा है, नॉर्थ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो ये पूरी जो इसका बियरिंग होगी वो इसकी क्या कहलाई जाएगी, डब्ल्यू सी बी। अगर कोई एंगल आपका 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये लाइन आपका इसका जो बियरिंग होगी कौन सी होगी, ये पूरी होगी। तो ये एंगल आपका क्या कहलाया जाएगा, इसका माना थीटा सी, इसको थीटा भी नाम दे देता हूं। तो थीटा सी जो इसका पूरा का पूरा एंगल होगा, ये इसका क्या कहलाया जाएगा, डब्ल्यू सी बी। तो डब्ल्यू सी बी में आपको बस एक चीज याद रखनी है, एन सी, क्या लिखनी है, एन सी।
तो अभी आपका एक कोरोना चल रहा है, आप ऐसे भी आदत से तो नोबल कोरोना छोड़ो, है ना। तो क्या हो गया, हमेशा कहाँ से लेना है, नॉर्थ से लेना है, और कैसे लेना है, क्लॉकवाइज। तो ये आपका आपका एक फैक्ट भी आ गया जो चल रहा है अभी लेटेस्ट, आपको याद भी है। तो कोरोना चल रहा है तो एन का मतलब हो गया यहाँ पर नॉर्थ, सी का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर कोई लाइन आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डब्ल्यू सी बी की, एंगल मैं यहां से भी ले सकता था, एंगल मैं यहां से भी ले सकता था, बट डब्ल्यू सी बी ने केवल और केवल क्या बोला, एन सी। तो नॉर्थ से किस पैटर्न में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो इसका एंगल होगा, ये आपका क्या कहलाया जाएगा, मान लो मैं इसको मैंने थीटा डी दो दिया, तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा, इसका होल सर्कल डी। अब किसी के लिए ये चीजें इजी भी हो रही होंगी, बट मैं आपको धीरे धीरे इन सब चीजों पर ले जाऊंगा, मैं आपको इनमें क्वेश्चनों की अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे फैक्ट समझोगे तभी आप बड़े क्वेश्चनों में अप्रोच आपकी ओके रहेगी। आपको मैं जीरो से ले जाऊंगा, आप चाहो तो आईएएस गेट वेट के क्वेश्चन भी इन्हीं चीजों से, मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप खुद ब खुद उनको कर सकते हैं इसके बाद। तो आपको बस यह याद रखना है कि डब्ल्यू सी बी क्या कहता है, कि किसी भी लाइन की जो बियरिंग होगी केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन से ली जाएगी, और किस पैटर्न में ली जाएगी, क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है। तो हमेशा नॉर्थ से और किस पैटर्न में, क्लॉकवाइज। और इतना आपको समझ में आता है, जीरो कहाँ पड़ेगा, 110 कहाँ पड़ेगा, 210 कहाँ पड़ेगा, 310 कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तीसरी दूसरी बात होती है आपकी, दूसरा मैंने बताया था जो हम बेयरिंग मेजर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, क्यू एस डी, दैट इज क्वाड्रेंटल सिस्टम बेयरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल सिस्टम बेयरिंग, या इसी को इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड रेंटल। क्वाड्रेंटल मतलब इसमें हम क्या चलेंगे, क्वाड्रेंट वाइज चलेंगे। आपने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें हम कैसे चलेंगे, क्वाड्रेंट वाइज। तो इसमें बोलते हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, ठीक है। तो आप ये लिख के लो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, डब्ल्यू सी बी क्यूएस भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनकी अप्रोच रहेगी, तो आपको ये भी समझना है, ठीक है। और इसी को हम आरबी भी बोल सकते हैं, क्या बोल देते हैं इसी को, आरबीबी। आरबी का मतलब होता है आपका रिड्यूस्ड बियरिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड बियरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग। तो रिड्यूस्ड बियरिंग क्या कहता है आपका, कि देखो डब्ल्यू सी बी से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू सी बी के साथ साथ हम इसको भी सीखेंगे। तो क्यूएसबी ने, डब्ल्यू सी बी ने तो क्या बोला था, कि एन एंड सी, क्या, कि बियरिंग जो ली जाएगी कहां से ली जाएगी, नॉर्थ से ली जाएगी, और किस पैटर्न में ली जाएगी, क्लॉकवाइज। बट क्यूएसबी क्या बोलता है, कि आप किसी भी लाइन की बियरिंग नॉर्थ से भी ले सकते हो, साउथ से भी ले सकते हो। ध्यान देना, मैंने यहां पर क्या बोला, नॉर्थ और साउथ, मैंने ईस्ट वेस्ट का जिक्र नहीं किया है। बहुत बच्चे यहां पर फिर ईस्ट वेस्ट भी डाल देंगे, ईस्ट और वेस्ट भी यूज कर देंगे। तो आपको पता है नॉर्थ ये है, ये साउथ है, ये वेस्ट है आपका, ये आपका ईस्ट है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जो बियरिंग होगी, मैंने क्या बोला, आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। अब इस लाइन को मैं अंडरलाइन करूंगा, नॉर्थ और साउथ, आप नॉर्थ और साउथ किसी में से भी इसकी बियरिंग ले सकते हो, ठीक है। इसने तो केवल आपके लिए नोट मार्क किया कि आपको केवल और केवल नॉर्थ से ही जाना है और क्लॉकवाइज ही जाना है, बट उसने क्या बोला, आप नॉर्थ भी चले जाओ कोई बात नहीं, या आप साउथ चले जाओ। आप वेस्ट ईस्ट की बात नहीं हुई है यहां पे, यहां पर बात हुई है नॉर्थ और यहां पे बात हुई है साउथ, ठीक है। दूसरी चीज इसने बोली, एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसने बोला नॉर्थ से चलना, क्लॉकवाइज चलना, किसने, डब्ल्यूसीबी ने। क्यूएसबी ने क्या बोला, नॉर्थ या साउथ कहीं से भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वैसा चल सकते हो, पर क्या कंडीशन आपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको ध्यान में बस ये रखना पड़ेगा कि आपका कौन सा जो लाइन है या जो कौन सी बियरिंग है कहां से नजदीक पड़ रही है, वो नॉर्थ से नजदीक पड़ रही है या साउथ से नजदीक पड़ रही है, वो आपकी उस चीज को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं, मैं यहां पर देखो दोनों चीजों को कनेक्ट करते चलूंगा, यहां कोई लाइन होगी, तो यहां कोई लाइन होगी तो ऑब्वियसली वो कौन से डिग्री की लाइन होगी, जीरो से लेके कितने के बीच में होगी, 90 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। अब अगर मैं इसके डब्ल्यू सी बी की बात करता, तो डब्ल्यू सी बी तो कौन सा एंगल था इसका, यही था, यही था।
अब अगर मैं इसके क्यूएसबी की बात करूं, क्योंकि डब्ल्यूसीबी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि आप चलना केवल और नॉर्थ से क्लॉकवाइज में, अब क्यूएसबी क्या बोलता है, आप नॉर्थ से भी चल सकते हो, आप साउथ से भी चल सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हो, जो आपको नजदीक पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, अभी मुझे एंगल नहीं पता है माना, अगर मैं इस लाइन की बात करता, अगर मैं इसके डब्ल्यूसीबी को बोलता तो डब्ल्यूसीबी ऑब्वियसली कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता। बट अगर मैं क्यूएसबी की बात करूं तो क्यूएसबी तो बोलता है आप नॉर्थ से भी चल सकते हो, साउथ से भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज भी चल सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। अब मैं कहां चलूं, ठीक है, तो मेरा नॉर्थ ये है, लाइन तो ये है। देखो अगर मैं साउथ से चलता तो दो तरीके से चल सकता था, एक ये और एक एंटी क्लॉकवाइज ये। अगर मैं नॉर्थ से चलता वो भी दो तरीके से चल सकता था, एक ये और एक ये। तो पर मुझे ध्यान ये देना है कि नजदीक कौन सा पड़ रहा है, कि मेरा कौन सा जो बियरिंग है वो आपका क्या पड़ रहा है, नियरर पड़ रहा है। तो आपको ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि जो ये इस लाइन की बियरिंग है वो कहाँ से नजदीक पड़ रही है, नॉर्थ से, और किस पैटर्न में पड़ रही है, क्लॉकवाइज पैटर्न में, है ना। तो माना इसको मैंने ये एंगल को आपको ले लिया, ठीक है। अब इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं यहां पर थीटा ए। पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि डब्ल्यू सी बी में कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि डब्ल्यू सी बी में यह ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जो बियरिंग होगी वो आपकी नॉर्थ से ही हो रही होगी और किस पैटर्न में हो रही होगी, क्लॉकवाइज। बट क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में आपको डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मैंने वो नॉर्थ से लिया है या मैंने वो साउथ से लिया है, मैंने क्लॉकवाइज लिया है या मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, मैंने वेस्ट साइड को लिया है या मैंने ईस्ट साइड को। इसीलिए क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में हमेशा डायरेक्शन का यूज होता है। तो डायरेक्शन दो ही हो सकती है, मैंने बताया था, या तो नॉर्थ हो सकती है या तो साउथ हो सकती है, जहां से आप उसकी बियरिंग लेंगे। तो बियरिंग यहां पर आपने किससे लिया है, देख रहे हैं आप, नॉर्थ से। कहां से लिया है, नॉर्थ से, ठीक है। और जो फिर लिखा जाता है एंगल, एंगल आपका यहां पर जैसे मैंने थीटा ए नाम दिया है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चलेगा ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर उसके बाद में लिखूंगा एंगल, एंगल कितना होगा, जैसे यहां पर अभी कितना है थीटा ए, थीटा ए कैन बी कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो ये 10 भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60 अप टू 90 के लिमिट में होगा। फिर आप देखेंगे कि ये लाइन ईस्ट की तरफ को गिरी है या वेस्ट की तरफ को गिरी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये लाइन जो है आपकी किस साइड गिरी है, ईस्ट साइड। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, नॉर्थ थीटा ए, क्या लिखूंगा, नॉर्थ थीटा ए ईस्ट, ठीक है। अब माना यहां कोई लाइन होती, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बियरिंग की बात करता तो अगर मैं WCB में बोलता तो WCB में आपको पता है कौन सी लाइन होती, क्योंकि WCB तो क्या कहता है, नॉर्थ से पूरा आओ, घूम के आओ, क्लॉकवाइज आओ, ऐसे, है ना। बट अगर मैं इसके QSB की बात करूं तो QSB ने क्या बोला, जो नजदीक पड़ेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा कौन सा कहां से नजदीक पड़ेगा, नॉर्थ से पड़ रहा है साउथ से। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये लाइन कहां से नजदीक पड़ रही है आपकी, साउथ से, और किस पैटर्न में पड़ रही है, पर एंटी क्लॉकवाइज, किस पैटर्न में पड़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो भी एंगल होगा, अभी मैं इसको नाम दे देता हूं थीटा बी, तो ये जो एंगल होगा ये इसकी क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग होगी। तो यहां पर आप देखें इसी लाइन की दो बियरिंग है, ये वाला जो एंगल है ये इसकी क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग को बता रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा एंगल है ये इसके होल सर्कल बियरिंग को बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं लिखूं कैसे इसको, फिर से इजी है, मैंने बताया था या तो नॉर्थ ही होगा, पहली चीज तो यही ध्यान रख लेना कि नॉर्थ होगा या तो साउथ ही होगा। तो यहां पर दिख रहा है आपको क्या है, साउथ, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं साउथ। अब एंगल कुछ भी हो सकता है, फिर से बात करें, यहां पर थीटा बी मैंने नाम दे दिया, तो यहां पर नाम क्या दूंगा मैं, थीटा बी। अब मैं देखूंगा कहां की तरफ को गिरा है, फिर से अब देखो आपकी वो लाइन है जो किस साइड को है, ईस्ट की तरफ को। तो ये कैसे लिखा जाएगा, साउथ थीटा बी ईस्ट, क्या लिखा जाएगा, साउथ थीटा बी ईस्ट, ठीक है। अब सिमिलरली यहां कोई लाइन होती, यहां कोई लाइन होती, अगर मैं इसके बात करता WCB की, तो WCB ने तो आपको क्या बोला, पूरा नॉर्थ से घूम के आना यहां तक, यहां पर दिख भी रहा है आपको, ये पूरी इसी लाइन की जो WCB थी वो पूरी कहां से थी, यहां से लेकर यहां तक घूम तक। बट QSB क्या कहता है, रिड्यूस्ड बियरिंग, इसी को हमने क्या बोल दिया, रिड्यूस्ड, इसी बियरिंग को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, पर हमने क्या कर दिया, वहां पर डायरेक्शन लेना जरूरी है। तो यहां पर हमने इस लाइन की जो रिड्यूस्ड बियरिंग होगी या क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा सी। तो इसको लिखूंगा कैसे मैं, साउथ थीटा सी वेस्ट, क्या लिखूंगा, साउथ थीटा सी वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होती, यहां होती, तो अब आपको इतना तो समझ में आ रहा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती तो WCB के टर्म में होती तो कहीं ना कहीं वो 270 से 360 के बीच में ही होती है, ठीक है ना।
तो आप अगर इसको देखें तो इस लाइन की अगर मैं डब्ल्यू सी बी की बात करता, यहां पर भी आपने देखा तो डब्ल्यू सी बी इस लाइन का कहां से था, पूरा आके यहां से यहां तक घूमकर। बट अगर मैं इसकी क्यूएसबी की बात करूं तो क्यूएसबी इसकी कौन सी होगी जो आपका नियरर पड़ेगा, तो नजदीक कौन सा पड़ा आपका, ये वाला। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा डी। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, थीटा डी। अब आप लोग खुद समझ जाओगे, इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कौन सी डायरेक्शन से लिया है मुझे पता चलता है, नॉर्थ। कहां से लिया है मैंने, फिर एंगल लिखा जाता है, एंगल कितना लिया है, थीटा डी। अब आप देखो ईस्ट की तरफ को है या वेस्ट की तरफ को है, तो ये किस तरफ को है, वेस्ट की। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, नॉर्थ थीटा डी वेस्ट। तो ये बेसिक है, मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। अब मैं इसके सीधे क्वेश्चनों में अप्रोच करूंगा, बस आपको कोई भी, आपने देखा होगा बहुत सी बुकों में लिखा रहता है कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कोई आपकी डब्ल्यू सी बी तो आप क्या करो, थीटा माइनस 180 करो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे। आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फैक्ट ये समझना है कि डब्ल्यू सी बी ने क्या बोला, हमेशा बियरिंग नॉर्थ से होगी और किस पैटर्न में होगी, क्लॉकवाइज। और क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग क्या बोलता है, आप नॉर्थ से भी चल सकते हो, आप साउथ से भी चल सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, हम बात करेंगे इनमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो एक चीज और आपने ये भी ध्यान रखनी है, ये गेट का क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन, और ये एसएससी वगैरह में रिपीट भी हुआ है कि जो डब्ल्यू सी बी है वो हमेशा नॉर्थ से चलता है और किस पैटर्न में चलता है, पूरा घूम के क्लॉकवाइज। तो इसका जो रेंज होगा किसका, डब्ल्यू सी बी का, वो कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेकर 360 डिग्री तक। ये क्वेश्चन आया था कि जो रेंज है आपकी इस पॉइंट को, अभी देखो अभी आपको यहीं पर ही कंफ्यूजन फिर से कराऊंगा मैं, कि आपकी जो बियरिंग होगी किसकी, आपकी डब्ल्यू सी बी की, वो हमेशा कहां से कहां तक वेरी करेगी, जीरो से लेके 360 तक। और अगर मैं क्यू एस बी की बात करूं, ये क्वेश्चन आया था क्यू एस बी में जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, तो अगर मैं क्यू एस बी की बात करूं तो जो रेंज रहेगी आपकी कहां से रहेगी, जीरो से लेकर कहां तक, 90 तक। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइन इधर हो जाती तब तो मैं इधर से लेता, उधर से थोड़ा लेता, तो 90 से ऊपर तो इसकी रेंज हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो ना। तो 90 से कभी भी ऊपर की रेंज क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में नहीं होगी, और डब्ल्यू सी बी में जो रेंज होगी हमेशा 0 से लेकर 360 तक होगी। अब इनमें क्वेश्चन क्या आता है, केवल और केवल क्वेश्चन इसमें यह आता है कि आपको डब्ल्यू सी बी को किसमें कन्वर्ट करना है, क्यू एस बी में, और क्यू एस बी को किसमें कन्वर्ट करना है, डब्ल्यू सी बी में। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके केवल और केवल इससे रिलेटेड आते हैं, या इसकी एप्लीकेशन आगे के टॉपिक्स जैसे ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, फॉर बियरिंग, बैक बियरिंग, उनको रिलेट करती है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों में अटकना नहीं है, आप ये चाहते हैं कि आप इन क्वेश्चनों में ना अटकें, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत जीरो लेवल बता रहा हूं, अगर आप आगे 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 पढ़ोगे, अभी आपको ट्रू मेरिडियन के क्वेश्चन आएंगे, फॉर बियरिंग, इंटीरियर आएंगे, उन सबको निकालना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कहीं भी एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा और पूरा इस फैक्ट को समझ के, डायग्राम को समझ के एक साथ कर सकते हैं। और आप इतने जितने क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं उनको आप प्रैक्टिस कर जाओगे, फिर आपका सीधे आंसर पता चलेगा कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको वो टॉपिक, अभी मैं जीरो से ही चल रहा हूं, क्योंकि मैं देखो मैं जीरो से लेके चलूंगा और सारे बच्चों को कवर करते हुए आगे तक चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑफलाइन में मुझे हर एक बच्चे की डिटेल पता रहती है कि ये बच्चा कैसा है, तो हम उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम, पर यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि सारे बच्चे क्या हैं, एक ही तरह के हैं मेरे लिए, तो मैं हर बच्चे को कवर करते हुए चलूंगा, तो मैं जीरो से ही चलूंगा, और मैं कहाँ तक जाऊँगा, पूरा आपका आगे तक के जो आपके क्वेश्चन इसमें प्रोबेबिलिटी है सब में 90% आने, तो आपका ये समझ लो, आप अगर आप इतना सब्जेक्ट कर लेते हैं तो कहीं आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डब्ल्यू सी बी क्यू एस बी की, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कुछ वैल्यूज दे देता हूँ जो आपकी डब्ल्यू सी बी में होंगी, और उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ डब्ल्यू सी बी में वैल्यूज लिख रहा हूँ, जैसे पहली वैल्यू मैंने लिख दी, कुछ भी लिख देता हूँ मैं ऐसी रेंडम, 45 डिग्री, ठीक है, आपका ऐसे लिख देता हूँ 180 डिग्री, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, 120 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ठीक है, एक लिख देता हूं मैं 215 डिग्री 40 मिनट। यहां पर देखें एक चीज और है, 315 डिग्री, एक चीज और है, अब यहां पर कुछ डिग्री मिनट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चलो एक काम करते हैं, पहले हम मिनट वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं,
ताकि उसके बाद इसमें आएंगे हम। पहले हम बस सीख लेते हैं ये कैसे हम इसको क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में चेंज करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 45 डिग्री, 120 डिग्री, 215 डिग्री, 315 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को सारों को किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में। किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में। अब एक चीज तो आप जहां पर भी आप डब्ल्यू सी भी देखो तो आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये सारी की सारी जो बियरिंग है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन से आ रही होंगी, नॉर्थ से, और किस पैटर्न में आ रही होंगी, क्लॉकवाइज में। इतना तो बात क्लियर है, क्योंकि आपको डब्ल्यू सी बी का मतलब ही था क्या, नॉर्थ क्लॉकवाइज। क्या था, नॉर्थ क्लॉकवाइज। तो डब्ल्यू सी बी ने क्या बोला, आपका केवल और केवल बियरिंग कहां से आएंगी, नॉर्थ से आएंगी, और किस पैटर्न में आएंगी, क्लॉक वाइज पैटर्न में आएंगी। ठीक है, अब देखो अभी आप सीखने के लिए थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चल सकते हैं, बाद में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो आप डायग्राम में चलें तो डब्ल्यू सी बी का मतलब क्या है, ये देखो नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। ठीक है, अब इसने बोला 45 डिग्री, तो इतना तो समझ में आता है वो एंगल कहां से होगा, नॉर्थ से होगा, क्योंकि किसके टर्म में है, डब्ल्यू सी बी के। तो 45 कहां पर पड़ेगा, आपको इतना कॉमन सेंस है, अभी अभी हमने बात भी करी थी, ये 0 है, ये 190 है, ये 180 है, ये 270 है, 360। तो 45 कहीं ना कहीं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इतना तो समझ में आता है, क्योंकि 0 से 90 है तो 45 कहीं इसके बीच में होगा, और नॉर्थ से क्योंकि ले रखी तो ऑब्वियसली ये यही वाला एंगल जो होगा आपका कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो यही एंगल आपका कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं, 45 डिग्री। अब मेरे को चेंज करना है इसको क्यूएसबी में, तो क्यूएसबी में उसने क्या बोला कि आप नॉर्थ से भी ले सकते हो, आप साउथ से भी ले सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जो आपको नजदीक पड़ेगा। तो अगर मैं इसी लाइन की बियरिंग देखूं तो मुझे कहां से नजदीक पड़ रहा है, इधर से ही, जो ये एंगल इसका डब्ल्यू सी बी में है वही एंगल मेरे को इसके लिए नजदीक भी पड़ रहा। तो इसको लिखने का बस तरीका अलग हो जाएगा, बट वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही वही रहेगी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से लिया है। दूसरा कहां से लिया है एंगल, फिर हमने क्या बोला था, हम क्या लिखते हैं, एंगल को लिखते हैं, एंगल कितना दे रखा आपका, 45 डिग्री। फिर आप देख रहे थे ईस्ट की तरफ को गिरा है या वेस्ट की तरफ को गिरा है, तो किस तरफ गिरा है आपका, ईस्ट की तरफ को। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, दैट इज थीटा जो आपका क्या है, 45 डिग्री। अब समझने की बात यह है, फिर से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, इन विच क्वाड्रेंट बोथ डब्ल्यू सी बी एंड क्यू एस बी आर सेम। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, आपने देख रखा जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में डब्ल्यू सी में भी 45 था, या कुछ भी हो सकता है जो 0 से 90 के बीच में होगा, और वही एंगल किस में भी है आपका, क्यू एस बी में भी है। बस अंतर केवल इतना है कि बियरिंग तो सेम होगी, नॉर्थ 45 डिग्री की ही बियरिंग होगी, बट क्यू एस बी में केवल और केवल क्या यूज हो जाएगा, डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। अब बच्चे सोचते हैं ये तो बड़ा इजी है कि एन और ई तो लगाना है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, मैं फिर से आपको बताता हूं, वो आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, जैसे 120, हमने 120 को बनाना है, तो 120 को हम कैसे बनाएंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो अगर बच्चों मैं बात करूं 120 डिग्री की, तो 120 डिग्री आप मुझे खुद बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। तो कहीं ना कहीं 120 किसके बीच में लाई कर रहा है, 90 से लेकर किसके बीच में, 180 के बीच में। तो 90 से 180 का क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये डब्ल्यू सी बी में बोल रखा, किस में बोला है, डब्ल्यू सी बी में, इसलिए मैंने यहां बनाया है। तो डब्ल्यू सी बी में है तो ऑब्वियसली कौन सा एंगल होगा, ये नॉर्थ से होगा, और किस पैटर्न में होगा आपका, क्लॉकवाइज। तो ये आपका जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक का, ये आपको कितना दे रखा, 120 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी बच्चे गलती जो बच्चे एकदम करते हैं, वो तो यहां सीख गए हैं कि नॉर्थ और डायरेक्शन ही तो लगानी है। मैं भी एक काम कर देता हूं, एंगल तो वही है, साउथ 120 डिग्री ईस्ट लगा दूंगा मैं, पर ये गलत है आपका, समझ रहे हो ना। यही चीज समझनी है आपने कि आप एकदम 120 नहीं रख सकते, क्योंकि अभी पहले में ही बात हो चुकी है कि जो रेंज है डब्ल्यू सी बी की वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 360 तक, और जो क्यू एस बी की रेंज है वो कहां से है, केवल 0 से लेकर 90 डिग्री। अब अगर मैं इस लाइन के क्यू एस बी की बात करूं तो क्यू एस बी कितना होगा, ये तो डब्ल्यू सी बी है, तो क्यू एस बी की बात करूं तो कौन सा एंगल होगा इसका, क्यू एस बी, ये होगा, नहीं होगा, ये एंगल इसका क्यू एस बी होगा, क्योंकि जो एंगल आपका नजदीक पड़ेगा वही एंगल इसका क्या होगा, क्यू एस बी होगा। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ भी, अभी तो आप पता चलेगा। अब ये वाला एंगल आपने निकालना है,
ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा आपको देखो कुछ नहीं करना, डायग्राम में देखें आप, मुझे नहीं पता, मेरे को फॉर्मूले नहीं पता, मुझे नहीं पता सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रूल है, मुझे नहीं पता थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रूल है, पर मुझे ये पता है जो मेरे को बेसिक पता है, ये 0 है, 90 है, 180 है, ये 270 है, मुझे ये पता है ना। अब अगर आप यहां पर देखें ये 120 है, अब इस वैल्यू मैं इसको माना थीटा बी दे रहा हूं, आगे मैं इतना यूज नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा ना, वैसे नॉर्थ सॉरी ये एंगल यहां से है तो क्या लिखूंगा मैं इसको, साउथ जो भी होगी थीटा बी और ईस्ट ऐसे लिखूंगा, बस ये थीटा भी कुछ एंगल तो है, कुछ बियरिंग ही तो है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो यहां कैसे निकालेंगे ऐसे पता चलेगा, देखें ये 120 है, अगर मैं पूरा राउंड आऊं तो ये यहां से यहां तक कितना होता, 180 होता, अगर मैं इस पूरे में से इतना हटा दूं तो यही तो बचेगा मेरा, है ना, मैंने कुछ नहीं किया, ये टोटल 180 था और मैंने ये हटा दिया उसमें, तो ये तभी तो ये मिलेगा मुझे, तो मैंने वही किया, तो मैं क्या करूंगा साउथ ब्रैकेट में क्या हुआ 180 से, क्यों किया माइनस पता चला, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है 180 है, उसमें से मैंने कितना माइनस किया 120, कितना माइनस किया 120, ठीक है, तो 120 मैंने माइनस किया तो, और बाकी क्या आई, तो वैल्यू कितनी आई साउथ 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री ईस्ट, क्या वैल्यू आ गई साउथ 60 डिग्री ईस्ट, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो गया आपका साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब तीसरा बनाते हैं, देखो तीसरे में अब मैंने यहां से क्वेश्चन छोड़ दिया, चलो आप बनाओ खुद, फिर आप यहां पर फिर एक हल्की सी गलती जो बहुत ज्यादा बच्चे कर जाते हैं वो आप कुछ लोग खुद भी ट्राई करें, ज्यादा बच्चे आप देखें तीसरी लाइन है 215, तो मैं यहां पर बना रहा हूं थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, अब मैं 215 बोलूं तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, यहां यही तो होगा 215 है ना, 215 यहां पर होगा आपका नॉर्थ से होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में, क्योंकि हम सारी बातें किसमें कर रहे हैं, हम डायग्राम ही तो बना रहे हैं WCB का, जो कहता था आपको नॉर्थ से चलो, कैसे चलो क्लॉकवाइज चलो, तो आपने क्या देखा कि नॉर्थ से 215 कहीं ना कहीं 180 और 270 के बीच में बनेगा, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये टोटल जो एंगल दिखा रखा है 215 डिग्री। बट अगर मैं इसके QSB की बात करूं, किसकी बात करूं, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग की, तो क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग ने तो बोला था भैया जो नॉर्थ या साउथ में से जो भी नजदीक पड़ेगा, तो नजदीक कहां से पड़ रहा है मुझे, यहां से पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है, यहां से पड़ रहा है साउथ, ये ग्रीन से दिखा रखा मैंने इसलिए, तो ये एंगल मुझे नजदीक पड़ रहा, तो ये एंगल की जो भी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता अभी मैं निकालूंगा, वही एंगल इसका क्या होगा रिड्यूस्ड बियरिंग होगी, और इसके साथ साथ मैं इसमें क्या लगा दूंगा डायरेक्शन और यूज कर दूंगा, ठीक है। अब ये कैसे निकले, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं 270 में से 215 माइनस कर देते हैं, हमने तो सीख लिया है ना, अगर आप 270 में से 215 माइनस करोगे, देखो 270 होता है पूरा इधर तक, उसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये, इस चीज का ध्यान रखना, बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए है ना, तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 215 है उसमें से मैं 180 माइनस कर दूं, यहां से यहां तक 180 था, हमने ये देखा, ये माइनस कर दूं तो यही तो बचा, तो आपको जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले तो डायरेक्शन क्या लिखूंगा साउथ, अब एंगल कितना होगा देखो 215 माइनस 180 डिग्री, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिला 215 माइनस 180, क्या डायरेक्शन अगली कौन सी है वेस्ट, तो कितना हो गया है साउथ 215 कितना हो गया 35 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका इसका एंगल आ गया साउथ 35 डिग्री वेस्ट, तो जो हल्की गलती बच्चे करते हैं मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में कि वो क्या करते हैं इस 270 में से इसको माइनस करना शुरू कर देते हैं, तो 270 में से माइनस करोगे खुद देखो ना आप यहां से यहां को इतना ये है 270, उसमें से आप अगर इसको माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा, बट आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है, तो ये एंगल ही क्योंकि इसका क्या है QSB है, ठीक है ना। अब लास्ट आते हैं 315, तो आपने इतना कर ही लिया है ये तो आप खुद ही कर लोगे, तो 315 आपको पता चल रहा है कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, 315 आपका ऑब्वियसली कहाँ आएगा 270 और 360 के बीच में आएगा, तो ये पूरा आपका कितना दिया है 315 डिग्री, और अगर मैं इसी के QSB की बात करूं तो QSB आपका कौन सा होगा ये एंगल जो मुझे नजदीक पड़ेगा, चाहे क्लॉकवाइज देखूं मैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखूं, ठीक है, तो मुझे ये एंगल इसका नजदीक पड़ेगा, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी आपको साफ सीधा, ये पूरा सर्कल होता है 360 का और 360 में से मैं 315 माइनस करूंगा तभी जाके मुझे ये मिले, ठीक है, तो आप यहां पर देखें तो पहले डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ, अब 315 में से सॉरी 360 में से 315 आप माइनस करोगे तो कितना आया आपका
45 डिग्री है ना, तो नॉर्थ 45 डिग्री और आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो आपने इन सारे क्वेश्चनों में देखा होगा जहां पर भी हमने क्यूएसबी में चेंज किया तो वहां पर सभी जगह जो बियरिंग थी वो आपका 0 से लेकर 90 के बीच में ही थी, कहीं भी वो 0 से लेकर 90 को एक्सीड नहीं करी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन, और यही चीजें वो क्या कर देते हैं बाद में रूल बन जाती हैं, जो आप लिखा रहता है अगर ऐसी क्यूएसबी में भी होता। अभी मैं कुछ क्वेश्चन क्यूएसबी के भी देखूंगा, अगर मुझे उसको डब्ल्यूसीबी में चेंज करना होता तो मैं क्या करूं, केवल डायग्राम बना लेता हूं। मुझे तो पता ही है ना नॉर्थ ईस्ट बोल रहा तो कहां की तरफ को होगा वो, है ना, मुझे बोल रहा नॉर्थ वेस्ट तो मुझे पता है ना कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो यही चीजें बुक में रूल बन के लिख जाती हैं, जैसे ये आपका डब्ल्यूसीबी है वो बोलता है अगर आपको किस में चेंज करना है क्यूएसबी में, तो आपने देखा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, कौन सा था डब्ल्यूसीबी में, कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्यूएसबी में वो वैल्यू कितनी थी, माना ये थीटा एंगल था, थीटा, तो क्यूएसबी में कितना था वो, थीटा ही था, बस केवल क्या यूज हो रही थी, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन यूज हो रही। ठीक है, आपने देखा अगर डब्ल्यूसीबी में माना एंगल थीटा बी था, मैंने उसको नाम दे दिया माना थीटा बी, तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इस नाम थीटा बी दे रहा हूँ तो थीटा बी मतलब यहां से यहां तक की पूरी बियरिंग हुई थीटा बी, तो ये वाला जो एंगल था ये इसका क्या बन रहा था, क्यूएसबी। तो ये निकल चीज कैसे रही थी, पहले तो डायरेक्शन की बात कर दूं, तो डायरेक्शन क्या आ रही थी, साउथ ईस्ट, तो पहले डायरेक्शन ही लिख लेता हूं मैं, साउथ ईस्ट, है ना। अब ये बियरिंग कितनी आ रही थी, आपने देखा था 180 माइनस थीटा बी, कितनी आ रही थी 180 माइनस थीटा बी। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया था कि कोई लाइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग कितनी होगी, ठीक है ना, तो क्या हो गया साउथ 180 माइनस थीटा बी, क्योंकि 180 माइनस थीटा बी करा तो मुझे ये मिला। ठीक है, तीसरा अगर थीटा सी इसमें नाम दे देता हूं, तो मैंने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, अगर वो एंगल थीटा सी था तो थीटा सी कहां था, यहां से लेकर यहां तक था थीटा सी, है ना। तो आपका अगर इसमें रिड्यूस्ड बेयरिंग में चेंज कर रहे तो रिड्यूस्ड बेयरिंग आपकी कौन सी हो रही थी इसमें, ये वाली। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब सी हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप चीजें फैक्ट समझ लीजिए। अगर ये तो बस डेमो लेक्चर है, बाद में आपकी जिस तरीके से रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, राइटिंग को सुधार लूंगा मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो थीटा सी, थीटा सी की अगर मैं बात करूं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो थीटा सी अगर बियरिंग होती तो आपको साफ साफ दिख रहा तो वो होता, ये साउथ था ये वेस्ट था, तो ये तो साउथ वेस्ट होता और जो एंगल आता वो कितना आता, आप सोचो थीटा सी माइनस 180, वही तो कर रहे थे हम, तभी तो ये निकल रहा था। तो ये आपके वही बुकों में रूल लिखे हैं, 180 माइनस थीटा सी कर दो आप, ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या हो गया, ये आपके रूल बन जाते हैं। ठीक है, बस आपको अभी डायग्राम से ध्यान देना है, मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी की पूरी सर्वेइंग आप केवल और केवल डायग्राम से ही सॉल्व कर सकते हो। अब अगर यूके ट्रिपल एससी को लो तो या कोई भी स्टेट एग्जाम को लोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके एसएससी हो गया या किसी भी एग्जाम में इस सर्वेइंग से आते हैं, जिसमें कंपास सर्वेइंग से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मैं आपको ये जो नोट्स दूंगा, आप फिर प्रीवियस ईयर के कोई सी भी बुक उठाओ, आप एसएससी उठाओ, आप अभी आप जेई की बात करें तो यूके ट्रिपल एससी उठाओ, आप आईएएस गेट के वन लाइनर उठाओ, इवन आप बड़े क्वेश्चन भी उठाओ, तो इन्हीं नोट्स से आपके कवर हो जाएंगे, बस आपको छोटी छोटी फैक्ट को देखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं चौथे क्वाड्रेंट में एंगल थीटा डी होता तो थीटा डी की बात क्या हो जाती, थीटा डी की बात क्या हो रही थी, आपने यहां देखा तो थीटा डी में क्या हो रहा था, सीधे लिख देता हूं मैं, सबसे पहले तो डायरेक्शन आती नॉर्थ वेस्ट और एंगल कितना हो जाता वो थीटा डी के लिए, माना वो थीटा डी एंगल है 315, तो कितना हो रहा था 360 माइनस क्या, सॉरी यहां पर थोड़ा आपका गड़बड़ हो गया, यहां पर जो एंगल आएगा कितना आएगा आपका थीटा सी माइनस 180 आ जाएगा, है ना, थीटा सी माइनस यहां पर ये हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 300 डिग्री माइनस थीटा, यही आपके रूल बन जाते हैं, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रख, ठीक है, कहीं पर कुछ मिस प्रिंटिंग होगी या कोई लिखने में दिक्कत होगी आप समझ जाएं, आप क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट डब्ल्यूसीबी तो क्यूएसबी में चेंज हो गया। बाद में आपको पता चल रहा, मैं बोल रहा हूँ 210 आपको समझ में आ रहा, सीधे आपके दिमाग में डायग्राम बन रहा, अभी तो आप बोर्ड में बना रहे हैं, कुछ दिमाग टाइम बाद आपके दिमाग में बनेगा। 210 बोल रहा हूँ तो आपको ऑब्वियस समझ में आ रहा कि जो यार बियरिंग होगी मेरी कौन से क्वाड्रेंट की होगी, अगर डब्ल्यूसीबी में है तो ऑब्वियसली 210 मेरा तीसरा क्वाड्रेंट पड़ रहा, तीसरा क्वाड्रेंट है 210, मैं दिमाग में बना रहा हूँ पूरा घूम के आ रहा है मेरा 210, वो पूरा घूम के आ रहा है, तो मेरे को अगर वाली चाहिए तो जो ये छोटा सा बच रहा है ये मेरा इसका क्यूएसबी होगा, तो कैसे आएगा सीधे समझ में आ रहा है, 210 में से 180 घटा दूँ वो दिमाग में बन जा रहा है, बाकी आपको डायरेक्शन तो पता ही है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डब्ल्यू सी बी टू क्यू एस बी में कन्वर्ट करना। माना एक दो क्वेश्चन में क्यू एस बी के भी दे देता हूँ रेंडम, ठीक है, तो आपको उसको किस में चेंज करना है, जैसे डब्ल्यू सी बी में, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ, टॉपिक बहुत ईजी है, बट अगर आप आगे के क्वेश्चनों में, बड़े क्वेश्चनों में फंसना नहीं चाहते, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के आपने डिक्लिनेशन के काफ़ी क्वेश्चन देखे होंगे, आपने इंटीरियर एंगल, इंक्लूडेड एंगल निकालने वाले क्वेश्चन देखे होंगे, आपने लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चन देखे होंगे, वहाँ सीधे आरबी में बहुत बार दिया रहता है, और बहुत सारे जो जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं वो सारे आपके मैं क्लियर कराऊंगा, पर आपको मैं जीरो से ही ले जाऊंगा अपने तरीके से ही, क्योंकि मेरे को पता नहीं है बच्चे का लेवल क्या है अभी, और उस लेवल पे भी लाऊंगा जो बच्चे आगे तक के हैं, ठीक है ना। अब देखें, अगर क्यू एस बी में कुछ रैंडम लिख देता हूँ ऐसी वैल्यू, अब देखें मैंने लिख दी साउथ 30 डिग्री ईस्ट, अब देखो साउथ 30 डिग्री ईस्ट लिखी तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है कि ये जो, क्योंकि क्यू एस बी में है, क्योंकि सबसे पहले तो डायरेक्शन अगर लिखी है तो किस में होगी, क्यू एस बी में ही होगी, डायरेक्शन नहीं लिखी है तो किस में होगी, डब्ल्यू सी बी में होगी। अब देखें नॉर्थ साउथ वेस्ट, अब अगर मैं बात करूं ये बियरिंग कहां से लिया, ऑब्वियसली साउथ से लिया, क्योंकि एस लिखा है पहले, तो कौन सी डायरेक्शन से लिया, साउथ से, और अब देखो या तो इधर को होगी या तो इधर को ही होगी, दो ही केस हो सकते हैं, तो किसकी तरफ को है, ईस्ट की, तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो लाइन होगी कहां की तरफ को होगी, इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बियरिंग बोलूं रिड्यूस्ड बियरिंग, तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला, तो यही वाला तो दिया होगा, तो क्योंकि रिड्यूस्ड बियरिंग दी है इस बार, यह आपकी डब्ल्यू सी बी दी है, वो कितनी दी है, 30 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, पर आपको चेंज किसमें करना है, डब्ल्यू सी बी में, तो डब्ल्यू सी बी ने तो आपका क्या बोला था, क्या बोला था, नॉर्थ क्लॉकवाइज, है ना, तो नॉर्थ क्लॉकवाइज बोला था, तो नॉर्थ क्लॉकवाइज, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये इसकी क्या होगी, डब्ल्यू सी बी, देखो इसी डायग्राम में दिख जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, ये पूरा 180 होगा, साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं उसमें से ये हटा दूं तो यही तो बचा, तो 180 में से अगर मैं 30 हटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 150 डिग्री, तो ये किसमें हो जाएगा, डब्ल्यू सी बी, ठीक है, तो ये डब्ल्यू सी बी में कितना हो गया, 150 डिग्री, ठीक। तो आपने कुछ नहीं, आपको डायग्राम देखना है, बाद में आपके दिमाग में खुद ब खुद डायग्राम बनेगा। अगर मैं बोलूं क्या बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, साउथ 50 डिग्री वेस्ट बोल देता हूँ, अब साउथ 50 डिग्री वेस्ट ऑब्वियस है कहाँ को बनेगा, देखो पहले तो कौन सी डायरेक्शन से बनेगा वो देखना है आपने, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो कहाँ से बनेगा, साउथ से, और किस तरफ को गिरेगा, वेस्ट की तरफ को, तो वेस्ट कहाँ है, इधर को, पहले मैं लाइन ही बना लेता हूँ। अब ये कितना दिया आपका, 50 डिग्री, तो 50 कहाँ से होगा आपका, साउथ से ही होगा, और किस पैटर्न में होगा, एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि लाइन तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी है। बट अगर मैं इसके, हमको तो चेंज इसको किस में करना है, डब्ल्यू सी बी में, तो डब्ल्यू सी बी में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये जो पूरा एंगल आएगा यहाँ से घूम के यहाँ तक, क्योंकि डब्ल्यू सी बी ने क्या बोला, नॉर्थ क्लॉकवाइज, तो ये पूरा एंगल इसका क्या होगा, डब्ल्यू सी बी। अब ये कैसे निकलेगा देखें, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 प्लस 50 और कर दूँ मैं, 180 प्लस 50, तो ये पूरा ही आ जाएगा मेरा, तो ये कितना हो गया, 180 प्लस 50 करा तो मैंने कितना आ गया, 230। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम डब्ल्यू सी बी को क्यू एस बी में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग को किस में चेंज करते हैं, डब्ल्यू सी बी में। बस आपको अगर देखा जाए तो फैक्ट आपको बस इतना ही समझना है, ये मैंने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करा दिए, तो फैक्ट आपको बस इतना ही समझना है कि डब्ल्यू सी बी ने तो क्या बोला कि हमेशा और हमेशा जो बियरिंग लूँगा मैं किस कहाँ से लूँगा, नॉर्थ से लूँगा और क्लॉक वाइज में लूँगा, और डब्ल्यू सी बी में कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका इसका मतलब जो बियरिंग है वो कहाँ से है, नॉर्थ से है और क्लॉकवाइज पैटर्न में है। और क्यू एस बी ने क्या बोला, आप नॉर्थ से भी ले सकते हो, आप साउथ से भी ले सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, तो जो आपको एग्जैक्ट इजी पड़ेगा। अब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से दो चार क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन इसका जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आएगा, डब्ल्यू सी बी टू क्यू एस बी, तो ये आपको कन्वर्ट करना आएगा, आपने डायग्राम बनाना है, या क्यू एस बी टू डब्ल्यू, या कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, इन विच क्वाड्रेंट बोथ आपके होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग इज सेम, जैसे हम बात कर ही चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं आपके, जिसमें आपका क्या लिखा था, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया था कि अगर कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, इफ अ लाइन इज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द, ये एसएससी में आया था, वैल्यू इन क्यू एस बी, तो अगर कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रही है, लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ अ लाइन इज लाइंग ऑन
थर्ड क्वाड्रेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इन क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन कर रही होगी लाई, तो ऑब्वियसली आप अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके दिमाग में बनेगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये, अगर वो WCV में है तो इसके QSV में वैल्यू क्या होगी, पहले तो डायरेक्शन देख लें, बहुत बार तो यहीं पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि साउथ और वेस्ट आ रहा होगा, साउथ वेस्ट। अब ये वाला एंगल होगा, अब ये एंगल कैसे आ रहा होगा आपको पता है क्या आएगा, ये पूरा एंगल थीटा -180, तो थीटा -180, तो ये वैल्यू इसकी किस में होगी, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो इस टाइप के इतने अभी तक क्वेश्चन आए हैं इससे, पर ये चीज जो है आगे के लिए आपका बेसिक है। तो इसके बाद ये आपको इसमें कोई भी अभी तक का क्वेश्चन आए तो इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई लाइन WCV में है तो उसको मैं कैसे QSV में कन्वर्ट करूं, और कोई लाइन अगर QSV में है तो कैसे मैं उसको WCV में कन्वर्ट करूं। अब ये टॉपिक तो बहुत इजी था, ठीक है, टॉपिक तो सारे ही इजी हैं वैसे। अब बात करते हैं हम, ये आपका क्लियर हुआ WCV एंड QSV, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के क्वेश्चन की। अभी देखो मैं आपको बहुत डिटेल्ड भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत इजी वे में भी नहीं, मैं आपको बस बेसिक एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का जो होता है वो देना चाह रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि ऐसे सही हो रहे हैं, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो आप कैसे केवल और केवल डायग्राम से या उसकी डेफिनेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी WCV QSV में, तो आपने देखा केवल अगर हमको डायग्राम पता है कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज, तो आपको पता है वो सॉल्व हो गया। आपको पता है QSV नॉर्थ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ और साउथ कुछ भी हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आपका इजीली सॉल्व हो गया था। अब हम बात करते हैं डिक्लिनेशन के क्वेश्चंस की। डिक्लिनेशन के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, यहां से भी एक क्वेश्चन श्योर है आपका कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का, ठीक है। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस मैं आपका इसको थोड़ा बहुत आइडिया देके, अभी डिटेल्ड में मैं उसकी जो प्रॉपर क्लास चलेंगी आपकी UKSSSC या SSC JEE की, उसमें आपको आप और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा। बस मैं आपको ये तरीका बताना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल कंपास सर्विंग की बात करूँ, तो आप लोग पेपर या प्रीवियस ईयर सॉल्व करते ही होंगे, तो आप देखना सबसे ज़्यादा कंपास सर्विंग में भी जो क्वेश्चन आए हैं वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के टॉपिक से ही आए हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का टॉपिक जो है आपका, उसी को टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं, आए हुए हैं, चाहे आप SSC उठाओ चाहे आप और स्टेट लेवल के क्वेश्चन दो। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझने से पहले हमें दो तीन डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, वो है ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग, पहली डेफिनेशन, ठीक है। अब पहले इसी को समझ लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है और ट्रू बियरिंग क्या होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं, तो डेफिनेशन तो ये बोलती है कि जो लाइन आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रिफरेंस को आपस में मिलाती है, वो लाइन आपकी क्या कहलाई जाती है, ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाई जाती है, ट्रू मेरिडियन। तो इंग्लिश में अगर हम बोले हैं, लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ एंड पॉइंट ऑफ रिफरेंस इज नोन एज ट्रू मेरिडियन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रू नॉर्थ, व्हाट इज ट्रू साउथ। तो ये जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा आपके सेट करे जाने वाले पॉइंट जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ या एक्चुअल नॉर्थ ऐसी, या ट्रू साउथ या एक्चुअल साउथ, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, माना मेरा ये कोई पॉइंट ऑफ रिफरेंस है, मैं यहीं पर आपका डायग्राम बना रहा हूँ, और इसके जस्ट ऊपर मेरा कौन सा है, ट्रू नॉर्थ, ये क्या है आपका, ट्रू नॉर्थ, और तो इसके जस्ट एग्जैक्टली नीचे आपका क्या होगा, ट्रू साउथ। तो जो भी लाइन इस तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ेगी, किस तीनों पॉइंट को, ट्रू नॉर्थ, यहां मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ट्रू नॉर्थ कॉमा ट्रू साउथ एंड पॉइंट ऑफ रिफरेंस, तो इन तीनों पॉइंट को जो लाइन आपस में मिलाएगी, तो मुझे जो पता चल गया ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है और ये पॉइंट ऑफ रिफरेंस है, तो इन तीनों पॉइंट को जिस लाइन ने आपस में जोड़ा, उस लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, ट्रू मेरिडियन। अब ये खास बात ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी ट्रू मेरिडियन है, ना कि बस ये ऊपर वाली, ठीक है। तो जो लाइन आपके, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही, कोई बात नहीं, आप समझे उसको बस, तो जो लाइन आपके ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रिफरेंस को आपस में जोड़ रही है, वो लाइन आपकी क्या कहलाई जा रही है, ट्रू मेरिडियन। क्या कहलाई जा रही है, ट्रू मेरिडियन।
अब दूसरी डेफिनेशन है ट्रू बियरिंग। तो बियरिंग मतलब क्या होता है आपका पता है, एंगल है ना। तो कोई भी लाइन की अगर मैं बियरिंग कहां से लेता हूं, ट्रू मेरिडियन से, तो उस लाइन को हम बोलेंगे या उस बियरिंग को हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। तो क्या बोलेंगे कि जो भी बियरिंग ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ली जाती है उस बियरिंग को हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। ठीक है, तो यहां से माना कोई भी लाइन है, मैं नीचे भी खींच सकता हूं, अभी क्वेश्चनों में मैं कराऊंगा आपको। तो अभी बस यहां पर मैं समझ लेता हूं, यहां कोई लाइन है, ठीक है, यहां कोई लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन की बियरिंग कहां से लूं, ट्रू मेरिडियन से लूं, कहां से लूं, ट्रू मेरिडियन से। तो अगर मैं अभी WCB में ही चल रहा हूं तो ट्रू मेरिडियन से ये वाला एंगल होगा, तो ये एंगल जो होगा, माना थीटा नाम दे रहा हूं, तो इस लाइन की क्या कहलाई जाएगी, ट्रू बियरिंग। थीटा भी नहीं बोलते, सीधे ही इसको ट्रू बियरिंग। तो दो चीज होगी, पहली चीज आपकी थी ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। तो ट्रू मेरिडियन आपके क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन से लिए जाने वाली किसी भी लाइन की बियरिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग। अब ये चीज ध्यान रखना, अभी मैंने बस ये समझा रहा हूं, अभी मैं यहां से भी लेता कोई लाइन की बियरिंग, बेशक मैं आर अगर मैं यहां से लेता, वो किस टर्म में हो जाती है आपकी, रिड्यूस्ड बियरिंग में। किसके टर्म में हो जाती है, रिड्यूस्ड बियरिंग में। अभी हम किस में ले रहे हैं, नॉर्थ से ले रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में है आपकी, WCB में, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो ट्रू मेरिडियन से लिया जाने वाली बियरिंग हमेशा क्या कहलाई जाती है, ट्रू बियरिंग। सिमिलरली दूसरी जो डेफिनेशन आपने समझनी है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। यहीं पर डेफिनेशन में ही पूरे टॉपिक खत्म है। आप अगर डेफिनेशन समझ गए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए उसको छोड़ो आप, बस आप डेफिनेशन समझें। अब देखें, मैंने बताया था जो ट्रू मेरिडियन है या ट्रू नॉर्थ है, ये आपका किसके द्वारा सेट किया गया, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के द्वारा बहुत बारीकी से जो सेट किया गया, वो आपका क्या है, ट्रू मेरिडियन। अब आपको पता है अर्थ भी आपने आप में क्या है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट कंटेन करती है। तो आपने देखा कहीं पर आप जाते हो तो आपकी निडिल कहीं को थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं पर आप जाते हो कंपास की निडिल कहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वहां पर जो नेडल हल्की सी डिफ्लेक्ट होती है किस वजह से होती है आपकी, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से, ठीक है। तो अगर आपकी निडिल मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से डिफ्लेक्ट हुई, तो उस पॉइंट पे जो आपका ट्रू नॉर्थ था वो कैसा नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसे ही जो ट्रू साउथ हो गया वो कैसा साउथ हो गया, मैग्नेटिक साउथ। समझ पाए आप। तो मैंने बोला जो एक्चुअल थी वो तो आपकी ट्रू नॉर्थ ट्रू मेरिडियन थी। जैसे आप कोई कंपास ले लें, आप अर्थ के वहां पर रख दें, तो आपने देखा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उसने क्या करा, हर पॉइंट पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत क्या कर गई, वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो डिफ्लेक्ट करने से वजह से जो अब नया नॉर्थ आया वो कैसा, मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से कैसा नॉर्थ बन गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसे ही जो नया साउथ आया वो कैसा आया, मैग्नेटिक साउथ। अब देखें ट्रू मेरिडियन क्या था, जो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ रही थी। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ कॉमा मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ता है। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ने वाला पॉइंट ही आपका क्या कहलाया जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं भी हो सकता है, हो सकता है आपका जो निडिल है ये तो अभी ट्रू ट्रू मेरिडियन है, हो सकता है आपका ये जो निडिल है वो इधर को डिफ्लेक्ट करे, हो सकता है आपका इधर को डिफ्लेक्ट करे। तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है या आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो आपकी निडिल ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट कर सकती है, या निडिल आपकी कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट कर सकती है, वेस्ट की। लेट अस सपोज, अभी एक मैं जनरल केस ले लेता हूं, अभी आपकी जो निडिल कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, माना ईस्ट की तरफ, माना कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, ईस्ट, ईस्ट ये है आपका। तो जो ये अब मैग्नेटिक जो ट्रू नॉर्थ था इधर को डिफ्लेक्ट हुई, तो ये आपका कैसा बन गया, मैग्नेटिक नॉर्थ। सिमिलरली ये निडिल जब डिफ्लेक्ट करेगी इधर को, ईस्ट की तरफ को, तो इसका जो मैग्नेटिक साउथ होगा वो किधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, इधर की, ठीक है। तो और पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ये था ही था जहां पर हमने जोड़ा था इसको। तो मैंने क्या बोला, अब जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएगी, वो लाइन आपकी क्या कहलाई जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाई जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मुझे मिला मैग्नेटिक साउथ, ये मुझे मिला मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मुझे मिला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इन तीनों पॉइंट को जिस किसी लाइन ने भी जोड़ा
वो लाइन का सीधे मैंने नाम दे दिया क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये यहाँ पर मैं ब्लैक जो पेन से बना रहा हूँ वो मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहा हूँ, जो ब्लू पेन से दिख रहा है आपको वो क्या दिख रहा है आपको, ट्रू मेरिडियन। अब सिमिलरली डेफिनेशन पढ़ी थी, अब अगर मैग्नेटिक मेरिडियन को रेस्पेक्ट मानकर मैं किसी भी लाइन की बियरिंग लेता हूं, क्या लेता हूं, बियरिंग, क्या लेता हूं, बियरिंग विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज क्या, मैग्नेटिक, किसी भी लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन की जो बियरिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन की बियरिंग को हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन की बियरिंग को हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड व्हाट इज ट्रू मेरिडियन, जो लाइन ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ेगी दैट इज नोन एज ट्रू मेरिडियन, जो लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ेगी दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में एंगल मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में एंगल ट्रू बियरिंग। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने ट्रू बियरिंग तो देख ली, जो ब्लैक वाला पूरा एंगल है वो आपका किसको दिखा रहा है, ट्रू बियरिंग। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग कौन सी होगी इसमें, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में होगी, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का रेस्पेक्ट तो ये है, तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी, ये ग्रीन वाली मैग्नेटिक बियरिंग। तो समझ में आ गया, अब आया आपका ट्रू मेरिडियन समझ में आया, आपका ट्रू बियरिंग समझ में आया, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आया, आपका मैग्नेटिक बियरिंग समझ में आया। और लास्ट टर्म जिसको हम पढ़ रहे थे एक्चुअल में वो तो था क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर ये तीसरी डेफिनेशन भी आप समझ पाए, अगर मैं डायग्राम ही डायग्राम में सॉल्व कर दूं, तो आप एक तरह से पूरा का पूरा टॉपिक, जैसा क्वेश्चन हो, चाहे दिन के 12 बजे की बात हो, चाहे आपकी 1967 की ट्रू बियरिंग दी हो या कुछ दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, सारे आप इन 3 पॉइंट से याद रख सकते। अब व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या सिंपल डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल एंगल, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन समझना, हॉरिजॉन्टल एंगल या बियरिंग, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। बस ये इतनी चीजें आप याद रख लो, आपका टॉपिक खत्म हो गया। मैंने बोला जो हॉरिजॉन्टल एंगल ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ट्रू मेरिडियन ये है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला, ये रेड से दिखा रहा हूं मैं, इस एंगल माना थीटा बोल देता हूं, अभी ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट किया तो इसको लिख दिया मैंने थीटा ई, तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो 3 डेफिनेशन बस आपने याद रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने बात करी थी ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग की, तो जो लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नोन एज ट्रू मेरिडियन एंड बियरिंग टेकन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन इज नोन एज ट्रू बियरिंग। द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द बियरिंग टेकन विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग। तीसरी डेफिनेशन थी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये 3 डेफिनेशन आपने समझ ली है। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ईस्टर्न डिक्लिनेशन, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन अगर हम कब बोलेंगे, अगर आपकी जो निडिल है वो कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को, किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को, तो उस डिक्लिनेशन को हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। जैसे ये केस था आपका, आपने देखा मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया था कि मेरी निडिल कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को, तो ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, तो इसलिए मैंने इसको ही क्या बोल दिया, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, अब यहां देखें डायग्राम, आपने देखा ट्रू मेरिडियन ये थी ब्लू वाली, ट्रू मेरिडियन से जो पूरा एंगल बना उसको मैंने बोला ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन का। ये थी मैग्नेटिक मेरिडियन ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, तो मैग्नेटिक मेरिडियन से जो भी इस लाइन की बियरिंग होगी उसको मैंने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक बियरिंग, साफ डेफिनेशनों में भी लिखा है।
और जे ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हमेशा मैं क्या बोलूंगा, डिक्लिनेशन। बस आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर आप अगर देखें इस ईस्टर्न के केस में जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं ट्रू बियरिंग निकालू किसी लाइन की, ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग देखो ये पूरी है ये। अब ट्रू बियरिंग कैसे निकल सकती है, देखो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई, कैसे निकल सकती है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई। यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई। थीटा ई इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहां पर जो डिक्लिनेशन था कैसा ही डिक्लिनेशन था, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखा प्लस किया, तो इसी के लिए एक फिर से ऑब्जेक्टिव आपका अराइज हो जाता है कि पॉजिटिव डिक्लिनेशन किसे बोला जाता है, तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन को ही आपका क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा एक केस और हो सकता था कि आपकी निडिल हो सकता था किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट करे, वेस्ट की तरफ को। तो पहला डिक्लिनेशन तो आपने समझ लिया ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अब देखें यहां देखें, अब एक चीज देखो, ट्रू मेरिडियन तो चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही फिक्स्ड होगी। ट्रू मेरिडियन किसी भी लाइन की कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इसीलिए जो ट्रू मेरिडियन से किसी भी लाइन की बियरिंग लूंगा मैं हमेशा, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। आप अभी नापो, आप 50 साल बाद नापो, आप 50 साल पहले की नापो, तो ट्रू बियरिंग हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। बस चेंज होती है तो आपका क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होते रहती है, तो उसके वजह से आपका क्या होते रहती है, मैग्नेटिक बियरिंग भी चेंज होती है। तो ट्रू बियरिंग तो मैंने, ट्रू मेरिडियन तो मैंने पहले ही सेट कर दिया आपको, ठीक है। अब पहले केस में हमने देखा था यहां पे आपने एज्यूम ये कर लिया था कि निडिल आपकी ब्लू को मैंने ट्रू मेरिडियन माना था और ब्लैक वाले को मैंने क्या मान दिया था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैंने यहां पर ये देखा था कि निडिल कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को। लेट अस सपोज मैं दूसरा केस लेता हूं कि आपकी ये निडिल जो थी माना वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती, तो यहां पर इस बार मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाता, पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो यही था, और यहां पर आपका क्या आ जाता, मैग्नेटिक साउथ हो जाता। तो इन तीनों पॉइंट को जिस लाइन ने भी जोड़ा उस लाइन को मैंने क्या बोला, जो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ती है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इस लाइन को मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मुझे क्या मिल गई, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गई, ठीक है। अब मुझे यहां पर ट्रू मेरिडियन मिल गई, यहां पर मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गई। अब अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं, माना मैं कोई भी लाइन ले लेता हूं, यहां पर है इस लाइन की मेरे को बियरिंग देखनी है क्या होगी, इस लाइन की मुझे क्या देखनी है कि बियरिंग क्या होगी। अब देखें अगर मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर मैं बोलूं इस लाइन की ट्रू बियरिंग क्या होगी, क्या बोलूं, ट्रू बियरिंग क्या होगी, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन से बनने वाला एंगल हमेशा क्या कहलाया जाता है, ट्रू बियरिंग। तो यहां पर देखें आप ट्रू मेरिडियन कौन सी है, ये ब्लैक वाली, तो इससे जो भी एंगल होगा ये, तो ये एंगल आपका क्या कहलाया जाएगा, ट्रू, ये आपको क्या कहलाया जाएगा, ट्रू बियरिंग। दूसरा एक चीज और समझाई थी मैंने आपको, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा क्या होगी, जो कहां से बन रही होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से, बियरिंग विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ट्रू मेरिडियन से जो एंगल होगा ट्रू बियरिंग होगा, मुझे ज्यादा नहीं पता, मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल होगा वो मैग्नेटिक बियरिंग होगा, और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल आपका क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर मैं इस लाइन की बियरिंग लू तो ये होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, और लाइन ये है तो इसकी बियरिंग यही तो हुई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक बियरिंग। देखो चाहे ईस्टर्न हो चाहे वेस्टर्न हो, रूल कहीं चेंज नहीं होगा, रूल तो जो है वो है, लॉजिक जो है वो है, ठीक है, वो कहीं भी चेंज आपका नहीं होगा, ठीक। तो ट्रू मेरिडियन से बनने वाला एंगल ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से बनने वाला एंगल मैग्नेटिक बियरिंग। तीसरी बात करी थी हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, तो डिक्लिनेशन क्या था, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहां पर देखें ट्रू मेरिडियन तो ये है वाली लाइन, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अभी आपने देखा जो निडिल है आपकी कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, वेस्ट की तरफ को, कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई, वेस्ट की तरफ को, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, थीटा वेस्ट। अब जरा मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन का यहां देखें ट्रू बियरिंग ये है आपकी और ये आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो ट्रू बियरिंग का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला क्या बना, देखो ट्रू बियरिंग ये है, कैसे निकल सकती है ये चीज, ये पूरे में से अगर मैं थीटा वेस्ट माइनस कर दूं, मतलब मैं मैग्नेटिक बियरिंग में से थीटा वेस्ट को अगर मैं माइनस कर दूं, देखो साफ
मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारी चीज़ें डायग्राम में सोल्वूंगी, बस आपको एक चीज़ समझनी है और उसके बाद आपने केवल डायरेक्शन को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं मैग्नेटिक बियरिंग में से थीटा वेस्ट को माइनस कर दूँ तो मेरे को सीधा का सीधा क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा वेस्ट। अब आपने देखा यहाँ पर जो ट्रू बियरिंग हो रही वो क्या हो रही है आपकी, माइनस हो रही है ना। तो इसीलिए ये क्योंकि वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट किया था इसलिए मैंने नाम दे दिया इसको पहले तो क्या, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, क्या नाम दे दिया, वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन मैंने इसको नाम दे तो दिया है और यहां पर आप देख रहे हैं आपका साइन क्या यूज हुआ है, माइनस। अच्छा वहां नहीं दिख रहा, सॉरी इधर को बना देता हूं फॉर्मूला। तो यहां पर अगर आप इसके लिए फॉर्मूला देखें तो ट्रू बियरिंग बराबर मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग माइनस थीटा वेस्ट करोगे आपकी तभी ट्रू बियरिंग आएगी। ठीक है, अब आप यहां पर यह ध्यान दें क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है आपका, अगर आपने यहां पर क्या यूज किया है, माइनस, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव डिक्लिनेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेगेटिव डिक्लिनेशन। तो बच्चों ये आपका टॉपिक हुआ ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग एंड डिक्लिनेशन। पहले आप बस कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन की वेराइटी जहां से जहां तक आज तक के कम्पिटिटिव पेपर में आई है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। बस आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, ट्रू मेरिडियन आपको पता चल गया कि हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन से बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो कहलाई जाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन से लिया जाने वाला एंगल जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, और नेक्स्ट था आपका क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अगर मैं बात करूं दो टाइप के होते हैं कि कौन कौन से, ईस्टर्न डिक्लिनेशन और दूसरा होता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, और वेस्टर्न डिक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रू बियरिंग निकालने का, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस थीटा ई। ठीक है, ईस्ट के केस में क्या करना है प्लस, वेस्ट के केस में हमने क्या करना है माइनस। ठीक है, अब ये आपका है, चलो फॉर्मूला है, मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा फिर से, जो क्वेश्चन बच्चे अब ये रट देते हैं कि जहां पर भी मेरे को ई लिखा मिलेगा मैं क्या कर दूंगा, सीधे मैग्नेटिक बियरिंग में प्लस कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, और जहां पर भी मेरा वेस्ट लिखा होगा मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल गांठ मत बांधिए, पर यहां पर जो डेफिनेशंस हैं आप उन्हें ध्यान दीजिए। ठीक है ना, यहां पर की जो डेफिनेशन है, जैसे कहां पर आपका ईस्ट आ रहा है, कहां पर आपका वेस्ट आ रहा है, और कहां पर आपको किस तरीके से, बस आप इन तीनों में देखें कि ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ट्रू मेरिडियन एंगल ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पॉइंट ऑफ रेफरेंस दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तीसरा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या कहलाया जाएगा आपका, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देखिए, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप इस चीज को बिल्कुल फॉर्मलाइज मत कीजिए कि जहां पर भी मेरे को ई मिलेगा मैं प्लस कर दूंगा, जहां पर भी मेरे को डब्ल्यू मिलेगा मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं फिर उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला सर्वे में हम थोड़ा बहुत जैसे डायग्राम में जितना जितना जाएंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। तो एक क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन, किसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी 110 डिग्री, थीटा दे रखा 3 डिग्री वेस्ट, आपसे बोला है ट्रू बेयरिंग बताओ। ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चे इसको देखते ही आंसर भी बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा, पर मैं आपको थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में ले जाके फिर बाद में आपके जो इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ गए हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब देखें यहां पर सबसे पहले मैं कभी भी एक चीज आप ध्यान रखें, कभी भी अभी आपको मैं बोल रहा हूं डायग्राम बनाओ, पर आपके पास मुझे ये भी पता है अगर आपके 100 क्वेश्चन 100 मिनट में सॉल्व करने हैं तो आपके पास डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, पर
आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और उसके बाद आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक लॉजिक आपके समझ में आ गया क्योंकि आपने ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर रखा और आपको पता है कहाँ पर चेंजेज आने हैं, क्या आने हैं। क्वेश्चन को मैं टाइम लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप क्वेश्चन को सही करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक्यूरेसी ज़्यादा रहे आपकी, ठीक है, और स्पीड तो रहे रहे, क्योंकि आपका 40 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कोई आपका पेपर को नहीं निकालेगी, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी कह रहे हैं स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी ज़्यादा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन है मैग्नेटिक बियरिंग बराबर दे रखी है आपको, ट्रू बियरिंग निकालना है। तो अगर कोई आप देखो आपको फॉर्मूला तो लिखा रखा है, पर फॉर्मूला रटने के लिए किसने बोला आपसे कि ट्रू बियरिंग है तो वेस्ट लिखा है तो माइनस कर दो, ईस्ट लिखा है तो प्लस कर दो। कर सकते हो आप, जल्दी जल्दी करना है, अभी करेंगे हम, ये चीज़ भी सीखेंगे, बट हम जाएंगे जीरो से ही लेकर। अब देखो कभी भी डिक्लिनेशन का क्वेश्चन आए, जो फर्स्ट स्टेप आपने करनी है, फर्स्ट स्टेप वो हमेशा आपने क्या करना है, डिक्लिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? डिक्लिनेशन। सर क्या चीज़ बता दी आपने कि डिक्लिनेशन ही क्यों बनाए हम, कि सबसे पहले आपने बोला कि यार डिक्लिनेशन ही बनाओ, पर मैं कह रहा हूँ डिक्लिनेशन क्यों बनाओ, अब उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको डिफाइंड है कि ट्रू मेरिडियन तो कहीं नहीं जानी, ट्रू मेरिडियन तो हमेशा क्या रहनी है, सेम रहनी, ठीक है। ट्रू मेरिडियन किसी भी लाइन की हमेशा सेम रहनी है, ठीक है। अब मैंने बोला कभी भी क्वेश्चन आए सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाओ, तो डिक्लिनेशन बना के मुझे ऐसा क्या मिलने वाला है जो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आप नहीं भैया सबसे पहले डिक्लिनेशन ही बनाओ, तो मुझे मिलने वाला है कुछ, वो कुछ है आपका, पहले ये बताओ आप मुझे डिक्लिनेशन होता क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। तो आपको पता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या सिंपल डिक्लिनेशन। अब मैंने आपको बोला सबसे पहले आपने क्या बनाना है, डिक्लिनेशन बनाना है। तो देखो ट्रू मेरिडियन ऑलवेज अवेलेबल, तो ट्रू मेरिडियन है वो तो आपके पास अवेलेबल है ही है, तो जैसे ही आप डिक्लिनेशन बनाओगे तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगा, क्योंकि दो ही लाइन का खेल तो है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का, और दोनों चीजें ही जो मिल गई तो हमें बचाई क्या, है ना। तो सबसे पहले हम डिक्लिनेशन बनाएंगे कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये एक गांड बात के बाद रख लो कि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिक्लिनेशन। तो सबसे पहले डिक्लिनेशन देखा तो मुझे क्या दिया है, 3 डिग्री वेस्ट। क्या दिया है डिक्लिनेशन, 3 डिग्री वेस्ट। तो 3 डिग्री वेस्ट, अब मुझे ये तो पता है या तो निडिल इधर की तरफ को रिफ्लेक्ट करेगी या तो इधर को, क्योंकि दो ही डिक्लिनेशन होते हैं, ईस्टर्न या वेस्टर्न। तो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि वेस्ट का मतलब कहाँ की तरफ को रिफ्लेक्ट है, आपकी जो लाइन है कहाँ की तरफ को रिफ्लेक्ट की गई है, वेस्ट की तरफ को, है ना। तो वेस्ट की तरफ को रिफ्लेक्ट की है तो ऑब्वियसली इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ हो गया होगा, मैग्नेटिक साउथ ये हो गया होगा, पॉइंट ऑफ रिफरेंस तो ये है ही है। तो इन तीनों पॉइंट को जब कोई लाइन जोड़ेगी, जब कोई लाइन जोड़ेगी उस लाइन को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन, उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिक्लिनेशन बनाया और इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 3 डिग्री, क्योंकि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन में पहले क्लियर करें हमने। तो 3 डिग्री आपको क्या दे रखी, आपने सबसे पहले स्टेप में क्या कर दिया, डिक्लिनेशन। अब आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी है कितनी, 110 डिग्री। कितनी दी है, 110 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो लाइन होगी कहीं कहां लाई कर रही होगी, इधर, क्योंकि 110 आपका 90 और इसके बाद ही पड़ेगा, है ना। तो 110 डिग्री दी है तो यहां आपकी वो कहीं लाइन होगी, एक ब्लैक वाली मैं लाइन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखें ये क्या दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक बियरिंग दिया है तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जब मैग्नेटिक बियरिंग दिया है तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा वो कहां से होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाला बियरिंग ही आपकी क्या कहलाई जाती है, मैग्नेटिक बियरिंग। क्या कहलाई जाती है, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और ये लाइन है और इससे ये जो जो भी एंगल बनेगा ये इसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक बियरिंग, और ये गिवन है आपका 110 डिग्री। अब अगर मैं डायग्राम में ही देखूं तो ट्रू बियरिंग क्या होगी, जो ट्रू मेरिडियन से होगा, ट्रू बियरिंग क्या होगी, जो ट्रू मेरिडियन से होगा। तो ट्रू मेरिडियन तो ये है आपकी ब्लैक वाली, तो यहां से जो ग्रीन वाला है ये चीज आपने निकालनी है क्वेश्चन साफ साफ। तो आपको वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान है, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वो चीज आपको कहां पर मार दे सकती है, क्योंकि आप अभी डायग्राम में जाएंगे, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं उसी का दे रहा हूं। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज कैसे निकलेगी, ये ग्रीन वाली लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन निकालनी है मैंने, और ये चीज मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस ब्लू वाली लाइन में से इस 3 डिग्री को माइनस करके, दैट इज। तो मेरे को पता है ये ब्लू लाइन लाइन क्या है, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग कैसे निकलेगी, 110 माइनस 3 डिग्री, तो दैट इज 107।
ठीक है, मुझे मैं बता दिया था, बहुत बच्चे इसको सीधे पहले ही बता देते हैं कि इसका आंसर तो सर 107 है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिक्लिनेशन आपको दिया है, और वेस्टर्न में आपका डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, माइनस हो जाता है, और ईस्टर्न में आपका सीधे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, वो रूल कब तक वैलिड है और किस तरीके तक उसकी वैलिडेशन है, ये चीज़ें मैं आपको बस ये बताना, मेरा पर्पज ये नहीं है, ये चीज़ें आपको बहुत लोगों को सब कुछ आता भी होगा, बट क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि आप कैसे गलत क्वेश्चन करने से बचे, ठीक है ना, आप एक्यूरेसी कैसे लाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, अब मैंने आपको इसीलिए WCB QSB पहले बताया क्योंकि उसकी एप्लीकेशन अब आने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, अब इस चीज का, ठीक है, आपने एक रूल बना दिया 107 तो यहां पर आ गया, अब वो रूल कब तक वैलिड होगा, किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन होगी, कैसे हम उसको तेजी से करेंगे, हर चीज आपको समझनी है। अब माना मैंने किसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग दी है आपको साउथ 40 डिग्री ईस्ट, थीटा दे दिया 3 डिग्री ईस्ट, आपसे बोला ट्रू बियरिंग बताओ, ठीक है। अब यहां पर नहीं करनी है जल्दीबाजी, ठीक है, बहुत लोगों ने एक रूल बना दिया कि ईस्ट लिखा है प्लस कर दिया, वेस्ट लिखा है माइनस कर दिया, तो यहां पर डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट देखा, और बहुत बच्चे सीधे आंसर बताते हैं कि साउथ 43 डिग्री ईस्ट आंसर आ गया हमारा, पर नहीं, मैं इसको आपकी दोनों अप्रोचेस बताऊंगा, और कब इसी क्वेश्चन से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से आपकी सब चीज़ की तरीका पता चलेगा। तो मैंने आपको बोला कभी भी डिक्लिनेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ट्रू मेरिडियन तो ऑलवेज अवेलेबल, ट्रू मेरिडियन तो हमारे पास हमेशा क्या है, रखी रखी है, ठीक है, ट्रू मेरिडियन हमारे पास हमेशा रखी हुई है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, डिक्लिनेशन बनाएंगे, हम क्या करेंगे, डिक्लिनेशन बनाएंगे। अब यहां पर जो डिक्लिनेशन दिया है वो किस तरफ को दिया है, ईस्ट की तरफ को, किस तरफ को दिया है, ईस्ट की तरफ, तो आप देखें जो डिक्लिनेशन है किधर की तरफ को है, ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट लिखा है, तो इसका मतलब जो निडिल है आपकी कहां की तरफ को डिफ्लेक्ट की गई होगी, ईस्ट की तरफ। अब मैं लाल वाले से बना रहा हूं क्या आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, तो ये आपकी मिल गई मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये आपका ये एंगल कौन सा हो गया, 3 डिग्री ईस्ट बन गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये पूरी लाइन आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन को दिखा रही है, ब्लैक लाइन आपको ट्रू मेरिडियन को दिखा रही है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा मैं करते जाता हूं, तो मैंने यहां पर देखा कि सबसे पहले मैंने ट्रू मेरिडियन था मेरे पास, सबसे पहला काम मैंने, आपने सर दो चीजें बताई हैं, सबसे पहले आपने बोला कि आपको क्या करना है, डिक्लिनेशन बनाना है, क्योंकि डिक्लिनेशन बनाते ही मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल जाएगा, डिक्लिनेशन बनाते ही मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैंने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सबसे पहले बनाया और मैग्नेटिक मेरिडियन मुझे क्या मिल गया, एकदम मैग्नेटिक मेरिडियन आपका मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम है आपका, यहां पर आपको क्या दिया है, इस चीज को देखें, यहां पर आपको क्या दिया है, मैग्नेटिक बेयरिंग दी है साउथ 40 डिग्री ईस्ट, क्या दी है, साउथ 40 डिग्री ईस्ट। अब यहां पर WCB में नहीं दिया है, किसके टर्म में दिया है, क्वाड्रेंटल सिस्टम बेयरिंग, तो आपको ये समझ में तो आता है, साउथ ईस्ट मतलब लाइन कहां होगी, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, यहां होगी लाइन, कहां होगी आपकी, इधर, ठीक है, तो यहां आपकी इसकी मतलब ये लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं लाइन बना लेता हूं, क्योंकि साउथ ईस्ट ही दिया, एंगल कहां से होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बनाऊंगा अभी, पर अभी मुझे पता है कि जो लाइन है जिसकी बियरिंग की हम बात कर रखे, चाहे वो मैग्नेटिक बियरिंग हो चाहे ट्रू बियरिंग हो, वो आपकी कौन सी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे, और कितनी है, 40 डिग्री। अब फिर से कंफ्यूजन, अब ये जो दे रखा आपको क्या दे रखा, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा, क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग, और मैंने आपको एक चीज बताया था, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है, कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। अब अगर ये WCB के टर्म में दी होती तो ठीक था, चलो मैं यहां से घुमा के यहां तक बना लेता, बट इस बार उसने किसके टर्म में दे रखी, QSB के टर्म में, किसके टर्म में दे रखी, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में, ठीक है, तो क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में दे रखा, तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपकी कौन सी है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन आपकी ये है, और ये दे रखी मैग्नेटिक बियरिंग, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये एंगल ये नहीं बल्कि ये पूरा वाला जो है ये दे रखा आपको कितना, 40 डिग्री, ये पूरा एंगल दे रखा आपको 40 डिग्री, समझ लो ना, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग जो होगी हमेशा कहां से होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से, ट्रू बियरिंग जो होगी हमेशा कहां से होगी, ट्रू मेरिडियन से, ठीक है। अब आपको निकालनी है ट्रू बियरिंग, ठीक है, अभी मैं आपसे WCB पूछे QSB पूछे, अभी मैं यहीं पर QSB में निकाल देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताऊंगा मैं। अब ट्रू बियरिंग बोल रखा तो ये चीज आपने निकालनी है,
इस चीज को आपने क्या करना है, निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है। अब देखो मेरे पास ये है, अब अगर आप इसी में देखें, ये 3 डिग्री दिया है, ये दिया क्या है, हमने बनाया भी था, 3 डिग्री दिया है। अब ये अगर 3 डिग्री दिया है तो ये भी आपका कितना होगा, 3 डिग्री, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ही सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं कि ये अगर 3 डिग्री है तो ये भी आपका 3 डिग्री होगा। तो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है क्योंकि दोनों आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ठीक है, मुझे मिल गया। अब ये 40 डिग्री पूरा था, ये 3 डिग्री और है, तो ये जो बचा यही तो इसकी ट्रू बियरिंग होगी। अगर मैं कैसे निकलेगी, इस 40 डिग्री में से इस 3 डिग्री को माइनस कर दूं, तो अगर मैं इस 40 डिग्री से इस 3 डिग्री को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 37 डिग्री। क्या आएगा, 37 डिग्री। पर क्योंकि क्यूएसबी में बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ आएगा। तो ट्रू बियरिंग आपकी क्या होगी इस लाइन की, साउथ 37 डिग्री, साउथ 37 डिग्री। तो मेरा बेसिक पर्पज बस यही समझाने का था कि हाँ, कि ईस्ट के केस में प्लस होता है, वेस्ट के केस में माइनस होता है, पर आपने देखा बहुत बच्चे इसको सीधा आंसर 43 लिख देते हैं और इस डायरेक्शन को करते हैं, पर आंसर जो आया हमारा साउथ 37 डिग्री ईस्ट आया। और इसीलिए यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो रूल होता है बेसिकली आपको पता चलेगा जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया। मैंने आपको इस टॉपिक में अगर आप देखें तो बस यही चीज़ बताई कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू बियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, और डिक्लिनेशन क्या होता है। और डिक्लिनेशन का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहली स्टेप हमने क्या करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिक्लिनेशन बनाना है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाँ बनाना तो है, बस बाद में आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट की है, सेकंड क्वाड्रेंट में, आप उसको बाद में एक रूल बना सकते हो। पर यहाँ पर ये जल्दीबाजी नहीं करनी है कि ईस्ट देखा, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बच्चे करते हैं, गलतियाँ मैंने देखी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बच्चे 43 लिख देते हैं सीधे, पर आपने देखा इसका आंसर कितना आया, 37। हाँ, अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता था, डायरेक्ट इसको हम क्या कर सकते थे, WCB में भी चेंज कर सकते थे और फिर भी सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं इसका दूसरे अल्टरनेट फॉर्म में करूं तो अगर मैं इसको WCB में चेंज करता है तो आपको पता है साउथ 40 ईस्ट है, तो कहीं वो याला लाइन होगी, और अगर मैं इसको QSB में बदलूंगा तो वही लाइन कितनी हो जाएगी आपकी, 140 डिग्री की। WCB में अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 140, क्योंकि 180 में से इसको माइनस कर किया जाएगा। तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे, तो आप अगर इसको ऐसे करते तो आप यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ट्रू मेरिडियन ये हमेशा रहती, ट्रू मेरिडियन आपकी हमेशा रहती, सबसे पहली स्टेप आपने क्या करनी थी, डिक्लिनेशन बनाना था। डिक्लिनेशन तो 3 डिग्री ईस्ट, या तो ईस्ट होना है या तो वेस्ट होना है, तो ईस्ट होना है, तो आपने 3 डिग्री ईस्ट का मतलब यहाँ की तरफ को रिफ्लेक्ट होगी इधर को, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। सेम क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ मैं दोनों तरीके से, तो 3 डिग्री आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दी है, 140 डिग्री दी है, तो मैग्नेटिक 140 दी है, तो क्योंकि आपने चेंज करी भले ही, तो 140 दी है, तो आपका कहाँ पड़ेगी वो लाइन, कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में। और 140 क्या दी है, मैग्नेटिक बियरिंग, तो कौन सी वाली से होगा, लाल से होगा, ब्लू से, लाल से, क्योंकि लाल आपकी किसको दिखा रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन को, तो ये आपकी कितनी होगी, 140 डिग्री। आपको चाहिए थी ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग हमेशा कहाँ से होती है, ट्रू मेरिडियन से होती है। ट्रू मेरिडियन कहाँ, ये है, ये तो ये वाली लाइन जो होगी ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी किसको दिखाएगी, ट्रू बियरिंग को, तो वो हरी वाली कैसे निकलेगी, साफ साफ दिख रहा, 140 + 3 कर, तो आंसर कितना आ जाएगा ट्रू बियरिंग का, 143। और अगर मैं इसी को 143 डिग्री को ही आपसे पूछा होता, नहीं भैया आप क्यूएसबी में बताओ, तो आप क्यूएसबी में कैसे बता सकते थे, इसको चेंज करके, तो चेंज कैसे करोगे, 143 डिग्री को हमने स्टार्टिंग में सीखा है, तो 180 में से 43 डिग्री को माइनस करके, तो जो आंसर आता आपका फिर ट्रू बियरिंग का, इसी को ही और करके भी लिख सकता हूं मैं, साउथ 37 डिग्री। तो ये देखें जो आप पहले भी निकाल चुके थे, साउथ 37 डिग्री ईस्ट यहां भी निकाल चुके हैं और वहां भी आपका साउथ 37 डिग्री ईस्ट आया। बस आपको ध्यान ये रखना है, अब मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं कि ये रूल है, रूल भी नहीं, आप कहेंगे, आप अगर देखें तो आपने यहाँ पर देखा ईस्ट के केस में हर केस में लगभग क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। मुझे नहीं है भैया इतना टाइम कि मैं वहाँ पर क्या करूँ, पूरा का पूरा डायग्राम बनाऊँ,
ये मैंने आपको केवल समझने के लिए बताया है, आपके लॉजिक क्लियर करने के लिए बताया है, कोई बड़ा क्वेश्चन आए आप वहां पर फंस जाओ तो उसके लिए बताया है। पर मेरे पास इतना टाइम थोड़ा है कि मैं वहां डायग्राम बनाते रहूंगा। आप एक दो 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि रूल कहाँ पर क्या हो रहा है, फिर आपके समझ में आने लग जाएंगी चीजें, ठीक है। पर रूल ये है कि ठीक है भैया, ईस्ट पॉजिटिव होता है, वेस्ट माइनस होता है, तो मैं यही कर लूंगा, जहां पर भी क्वेश्चन ईस्ट का दिखेगा मैं उसमें प्लस कर दूंगा, और जहां पर भी क्वेश्चन वेस्ट का दिखेगा ट्रू बियरिंग निकालने के लिए मैं उसमें क्या कर दूंगा, माइनस। बट ये किसके लिए रूल है ये भी ध्यान रखना है। पता चला ट्रू बियरिंग दे दिया आपको, मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी है, और आप फिर भी वही वाला रूल फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये रूल केवल और केवल किस चीज़ के लिए, आपकी ट्रू बियरिंग निकालने के लिए। ईस्ट लिखा है प्लस, वेस्ट लिखा है माइनस। पर कब कब ये रूल तभी होगा जब आपकी जो लाइन होगी या तो WCB में होगी, किसमें होगी, WCB में, या आपका आज का असाइनमेंट है आप चेक करके देखना, या तो आपकी WCB में, जैसे मैंने यहां पर आपको WCB में देखा और E लिखा है, जहां पर भी आपने सीधे प्लस कर देना, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, इतना टाइम किसके पास है कि 143 डिग्री मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कभी भी अगर WCB में आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ईस्ट टू आपको पता ही है पॉजिटिव डिक्लिनेशन होता है, तो जहां पर भी ई दिखा आपने प्लस कर देना है, और जहां पर भी आपको वेस्ट दिखा अगर क्वेश्चन WCB में है आपने कर देना है माइनस। बट अगर क्वेश्चन आता है QSB में, यह मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, आप इन्हीं को ट्राई करेंगे क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन लगते रहे, ऐसे मैं लंबा खींचते जाऊंगा बहुत लंबा चले जाएगा। और सेम रूल फॉलो करेगा अगर बात हो रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन आप करके देखना। अगर क्वेश्चन आपका जो लाइन है WCB में दे रखी, तो जहां पर भी ईस्ट कर रखा आपने सीधे प्लस कर देना है, जहां पर भी आपको वेस्ट दे रखा आपने सीधे माइनस कर देना है। बट अगर QSB में दे रखा तो ये रूल आपका चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब, हाँ अगर यहां पर आपको इसी क्वेश्चन को नॉर्थ ईस्ट 40 डिग्री ईस्ट करके दिया होता तो आप इसका आंसर आप करके देख लेना, आप सीधे भी लिख सकते थे, इस केस में इसका आंसर ई लिखा है ना, सीधे आंसर हो जाएगा इसका नॉर्थ 43 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। और ऐसा ही अगर माना ये थर्ड क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होती है नोटेशन उसकी, साउथ वेस्ट, तो तब भी आप ई लिखा है तो प्लस कर दो, वो लिखा है तो माइनस कर दो, और डायरेक्शन वैसी की वैसी दे दो। ये रूल भी नहीं है, ये हम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बस रूल कहां पर चेंज हो जाता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप इन दोनों के क्वेश्चन करके देखना, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के मैं आपको हल्का सा दिखा भी दूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट का तो मैंने आपको दिखा दिया कि भले ही ई लिखा था पर आंसर क्या आया आपका, माइनस हो गया। और सेम होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी, बट अगर किस में दे रखा है QSB में, क्योंकि बहुत आपके पास इतना टाइम नहीं है आपकी उसको WCB में चेंज करो। फिर माना आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया, क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन मिल गया, माना किसी लाइन में आपको साउथ 40 डिग्री, चलो वेस्ट करके दिखा देता हूँ, ईस्ट पे दिखा दिया, और थीटा दे दिया 3 डिग्री ईस्ट, है ना। अब आपको पूछा है कि ट्रू बियरिंग जो बताओ QSB में ही बताओ। अब आप इतना टाइम नहीं है कि आप इसको पहले WCB में चेंज करोगे, फिर आप प्लस करोगे, फिर वो चेंज करोगे, तो एक रूल बना लेते हैं हम इसलिए, है ना। तो आपने को क्या करना है, आपका लिखा है साउथ 40 डिग्री वेस्ट, तो आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप इसको सीधे अगर देखें, आपको मैं डायग्राम से भी बता दूंगा, पर आप पहले इसका आंसर भी बता सकते हैं क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो रूल आपका सेम ही है, तो 3 डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ 43 डिग्री वेस्ट। चाहे आप करके देख सकते हैं, करके कैसे देख सकते हैं, पुराना रूल है अपना ट्रू मेरिडियन ऑलवेज अवेलेबल, सबसे पहला काम है डिक्लिनेशन बनाने का, वही तो बोला था, सबसे पहले डिक्लिनेशन बनाएंगे, कितना दे रखा है 3 डिग्री ईस्ट, मतलब इधर को, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया, ठीक, ये आपको मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया, ये 3 डिग्री हो गया, ठीक। अगला आपको क्या दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग साउथ वेस्ट दी है, तो लाइन इसका मतलब कहाँ लाई कर रही होगी, इधर। अब ये मैग्नेटिक बियरिंग दी है तो ऑब्वियसली कहाँ से होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से होगा, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये आपका कितना दे रखा है 40, ठीक है। अब ये 3 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रू बियरिंग निकालनी है तो ट्रू बियरिंग हमेशा कहां से होती है, ट्रू मेरिडियन से, ये वाली, है ना। तो ये एंगल कितना हो गया आपको साफ दिख रहा है, 40 + 3 43, जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ। तो आपको बस ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास, मैं डायग्राम सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बट आपको उसको बाद में एक लॉजिक में कन्वर्ट करना है कि आपका लॉजिक ये रहेगा ये रहेगा।
तो ये आपको अभी अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके दिन के 12 बजे के क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइम पे वेस्टर्न डिक्लिनेशन होगा, किस टाइम पे ईस्टर्न। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपकी बात हो चुकी है, सेकंड की आपकी बात हो चुकी है, थर्ड की आपकी बात हो चुकी है, फोर्थ का मैं एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ आपको, क्योंकि फोर्थ के अलावा फिफ्थ क्वाड्रेंट तो कहीं नहीं आ रहा आपका, है ना। फिफ्थ क्वाड्रेंट कहीं से कहीं तक आपका ला ही नहीं करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो जहाँ पर भी आपका ईस्ट लिखा है आप प्लस कर दें, वेस्ट लिखा है आप माइनस कर दें, बट क्वेश्चन अगर किस में दे रखा है, डब्ल्यू सी में दे रखा, और क्या निकालना है मैंने, क्या निकालना है मैंने, ट्रू बियरिंग निकालनी है तब, क्योंकि फिर मैग्नेटिक बियरिंग का फॉर्मूला इधर उधर चले जाएगा। तो फॉर्मूले को आपने बिल्कुल रटना नहीं है, उस चीज़ को समझनी है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, लेट अस सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट का इसने क्या बिगाड़ा है, तो क्या दे रखा, नॉर्थ 26 डिग्री वेस्ट और थीटा दे दिया मैंने 3 डिग्री वेस्ट। अब मैंने आपको जैसे रूल बता रखा, अभी मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा, रूल भी क्या फिर से एक बात होगी। तो मैंने बताया था सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिक्कत आ रही है, दिक्कत भी नहीं है, वो एक्चुअल का लॉजिक है। तो अभी आप देख रहे हैं 3 डिग्री वेस्ट, तो आपने देखा वैसे जनरली वेस्ट में क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वेस्ट में माइनस हो रहा था, ईस्ट में क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। बस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ा दिक्कत कर रहे थे, क्यों दिक्कत भी नहीं कर रहे थे, वो बेचारे भी लॉजिक के हिसाब से ही चल रहे थे। तो मैं इसका आंसर वैसे बिना देखे भी ऐसे ही लिख सकता हूं कि ट्रू बियरिंग बराबर, यहां पर वेस्ट लिखा है तो माइनस होना चाहिए, बट ये है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो रूल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो रूल उल्टा हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री वेस्ट है तो वेस्ट वैसे तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ 29 डिग्री वेस्ट। अब करके भी देख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले ट्रू मेरिडियन ऑलवेज अवेलेबल, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिक्लिनेशन बनाना है 3 डिग्री वेस्ट। तो 3 डिग्री वेस्ट इसका मतलब लाइन कहाँ लाई करेगी, इस साइड को, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपको क्या दे रखा है, 3 डिग्री, ठीक है। तो अब देखें आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी नॉर्थ 26 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 26 डिग्री वेस्ट इसका मतलब लाइन कहाँ लाई कर रही होगी, इधर को, है ना। अब देखें वो देगी मैग्नेटिक बेयरिंग, तो मैग्नेटिक बेयरिंग हमेशा कहाँ से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो ये आपका क्या हो रखा, 26 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है क्या, ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग हमेशा कहाँ से होती है, ट्रू मेरिडियन से, तो ट्रू मेरिडियन ये है, ठीक है। तो ये कैसे आएगी, आप देख रहे हो 26 + 3 करती है, जो हम पहले लिख चुके हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर मैं एक थोड़ा सा समराइज करूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने पढ़ी डब्ल्यू सी बी एंड क्यू एस बी होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो व्हाट इज होल सर्कल बियरिंग, कि किसी भी लाइन की बियरिंग हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग, और होल सर्कल बियरिंग की जो रेंज रहती है वो हमेशा कहाँ से रहती है, 0 से लेकर 360 तक। और कभी भी अगर हम नोटेशन का यूज करते हैं नॉर्थ साउथ या आपका ईस्ट वेस्ट में, तो अगर उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। तो क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग बेसिकली क्या कहती है, कि बियरिंग आप नॉर्थ से भी ले सकते हो, आप साउथ से भी ले सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जो भी आपका नज़दीक पड़ेगा। उसके बाद इससे आने वाले क्वेश्चन क्या है, कि डब्ल्यू सी बी हमेशा क्या होगी, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कि आप किस में डब्ल्यू सी बी को किस में कन्वर्ट करें, क्यू एस बी में कन्वर्ट करें, और क्यू एस बी को किस में कन्वर्ट करें, डब्ल्यू सी बी। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सर्वेइंग का बोलूँगा मैं तो एक तरह से, अभी इसमें भी बहुत सारे अंदर अंदर और क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराऊंगा, वो है आपका डिक्लिनेशन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसमें दो तीन चीज़ें थी, सबसे पहली चीज़ थी व्हाट इज़ ट्रू मेरिडियन, तो जो लाइन आपके ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, और ट्रू मेरिडियन से बनने वाले एंगल को ही हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। जो लाइन आपके मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आपस में जोड़ती है उस लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन से बनने वाले एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, और ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ईस्टर्न डिक्लिनेशन एंड वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ईस्टर्न डिक्लिनेशन कब बोलेंगे, अगर आपकी निडिल जो है वो ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन, और अगर आपकी निडिल जो है वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है वो आपकी कहलाई जाएगी वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, देखा भी क्या, खुद ही हमने डायग्राम बनाया, हमने उन जोड़ा, तो मैंने हमने ये पाया कि जो ट्रू बियरिंग होती है वो हमेशा क्या फॉर्मूला रहता है ईस्टर्न के केस में, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस
आपका थीटा ए, किसके केस में, ईस्टर्न के केस में। और अभी तक हमने ये जो भी क्वेश्चन किए वो सारे ट्रू बेयरिंग के किए हैं। हो सकता है आपको क्या दे दे, मैग्नेटिक बेयरिंग की जगह ट्रू बेयरिंग दे दे, आपको मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, तो आपको पता है बस इधर का उधर ही तो फेंकना है, क्योंकि एक जनरलाइज अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मेरा फॉर्मूला बना ट्रू बेयरिंग बराबर मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस थीटा। प्लस कब ले लूंगा मैं, जब आपका ईस्टर्न होगा, माइनस कब ले लूंगा मैं, जब आपका वेस्टर्न होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये दे दिया तो आपको इधर फेंकना है, वो दे दिया तो उधर फेंकना है, बट आपको अगर डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बोला चलो, बट उसके बाद अगर आपको लॉजिक है तो आपको स्पीड भी बढ़ानी है। ठीक है, क्वेश्चनों की स्पीड भी बढ़ानी है। तो आपने जहां पर भी ईस्टर्न देखना है, ट्रू बेयरिंग निकालनी है तो आप प्लस कर दो, वेस्टर्न देखना है तो माइनस कर दो। कब, अगर आपका क्वेश्चन कभी भी डब्ल्यू सी में दिया है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ आप लाइन खींचने में लगे हो, आप पेपरों में आप उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बट अगर आपका क्वेश्चन किस में दिया है, क्यूएसबी में दिया है, तो आप ये रूल अपना सकते हो केवल और केवल किसके लिए, ये हमने करके देखा इसलिए हम बात कर रहे हैं ये चीज की। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर फर्स्ट और थर्ड का मतलब अगर क्वाड्रेंटल सिस्टम में बात है, डब्ल्यू सी बी में आता है तब तो कोई घपला ही नहीं है, बट अगर क्वाड्रेंटल सिस्टम में बात है और अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट और थर्ड कहने का मतलब फर्स्ट है तो जो डायरेक्शन यूज हो रही होगी क्या हो रही होगी, नॉर्थ ईस्ट। थर्ड है तो डायरेक्शन क्या यूज हो रही होगी, साउथ वेस्ट। ठीक है ना, पर यही रूल आपने देखा सेकेंड और क्वाड्रेंट, इसीलिए जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में यही गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो रूल जस्ट उल्टा हो जा रहा है, बस ये आपको ध्यान रखना है, आपने करके देख लिया बस। ठीक है ना, तो जल्दीबाजी में उस चीज को आपने खराब नहीं करना। तो ये आपके डिक्लिनेशन के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, मैंने सब बता दिया। बाद में आपकी, आप चार क्वेश्चन इसके करो, चार क्वेश्चन उसके करो, आपके ऐसे स्पीड हो जाएगी, यहाँ क्वेश्चन बोलते ही आप आंसर लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, आपने सीधा आंसर लिखा, आप करके भी देख लिया, अब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है आप उस तरीके से देख, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके डिक्लिनेशन के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब डिक्लिनेशन के मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, और उसका हमेशा जो ट्रू बियरिंग होती है वो क्या रहती है आपकी, किसी भी लाइन की, सेम रहती है, और जो डिफरेंस आता है उसके किस में रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो हमेशा किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो चेंज किस में आएगा आपका, उसके मैग्नेटिक बियरिंग में। तो एक क्वेश्चन आया था, एक नोट है, ये नोट भी आप समझ सकते हो इसको, कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसका सीधे, ये गेट का क्वेश्चन था बल्कि, ठीक है, क्वेश्चन करके ही बता देता हूँ मैं आपको। तो नोट बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये बस आपका नोट है, इससे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इस तरीके का था कि 1967 में किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग दी थी और उस समय में डिक्लिनेशन दिया था, तो आपसे पूछा था अगर इस टाइम पर डिक्लिनेशन इतना है तो उस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो तो हम खुद ही लिख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी लाइन की 1967 किसी भी लाइन की जो आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी थी, ठीक है, वो दे रखी थी नॉर्थ 28 डिग्री वेस्ट और थीटा दिया था 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और आपसे ये बोला था अगर एट प्रेजेंट अगर आपका उस लाइन की जो डिक्लिनेशन है वो हो गया है 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो आप बताओ कि इस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी एट प्रेजेंट। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आया था, गेट का ही क्वेश्चन है ये, मैं आपको इसलिए बोला था, मैं जीरो से लेके आगे तक जाऊंगा। अब क्यों है आपके डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर देखेंगे, आप चाहे तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 1967 में किसी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग जो दी है वो दी है नॉर्थ 28 डिग्री वेस्ट, और सेम क्वेश्चन अभी SSC में भी रिपीट हुआ है 2018 पे, ठीक है, और थीटा है आपका 2 डिग्री ईस्ट। आपसे बोला अगर प्रेजेंट में जो लाइन है उसका डिक्लिनेशन है 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो उस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग बताओ, और उसने ये बोला था कि WCB में बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं QSB में ही कर लेता हूँ, है ना, लॉजिक तो वही हमारे, तो मैंने आपको इसमें बता रखा। अब यहाँ पर एक लॉजिक जो लगा, जो नोट अभी अभी मैं बात कर रहा था कि ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ,
इस लाइन की मैं ट्रू बियरिंग निकाल लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास थीटा है, मैग्नेटिक बियरिंग है, तो मैं ट्रू बियरिंग निकाल लेता हूँ। और जो ट्रू बियरिंग यहाँ पे होगी 1967 में, तो वही भी तो प्रेजेंट में भी होगी, क्योंकि मैंने बोला था ट्रू बियरिंग कहीं भी चेंज होने वाली नहीं है। तो ट्रू बियरिंग यहाँ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। जो ट्रू बियरिंग यहाँ पर होगी वही ट्रू बियरिंग आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ट्रू बियरिंग निकाल लेता हूँ, मैं ट्रू बियरिंग इसकी वैल्यू जो सेम वैल्यू है यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पे दो डाटा यहाँ से वो फिर से हो गए और तीन डाटा सर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले ट्रू मेरिडियन ऑलवेज अवेलेबल, सबसे पहला काम था डिक्लिनेशन बनाएंगे। डिक्लिनेशन मैंने बनाया, क्या दे रखा, 2 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब नीडल कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई है, ईस्ट की तरफ को। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल कितना दिया है आपको, 2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दी है, मैग्नेटिक बियरिंग दी है आपकी नॉर्थ 28 वेस्ट, तो नॉर्थ 28 वेस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट इधर को हुआ, तो ये आपका दे रखा आपका नॉर्थ 28 वेस्ट। बट ये क्या दे रखी, फिर से ध्यान दें, मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहाँ से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो ये आपका कितना दे रखा, 28 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसकी, ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग इसकी कौन सी होगी, ये है ना, तो ये लाइन इसकी क्या होगी, ट्रू बियरिंग। राइटिंग में मेरा ऐसा ही है, मैं अगली बार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर ड्रॉबैक, ठीक है। तो इसका आप देखें, तो इसकी अगर मैं ट्रू बियरिंग निकालूं, तो मुझे पता है इसकी ट्रू बियरिंग ये वाला है, ये वाला पार्ट, तो ये कैसे निकलेगी, देखो 28 - 2 करके ही निकलेगी, दैट इज 26 डिग्री, बाकी डायरेक्शन मुझे पता ही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और 20। और अगर आप इसको और जल्दी करना था, आपको मैंने अभी अभी रूल तो बताया था, किसमें दे रखा क्वेश्चन, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग में, और बर कौन सा क्वाड्रेंट है, आप पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाता है, वैसे ईस्ट में जनरली प्लस होता है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो आप सीधे भी लिख सकते थे नॉर्थ 26 डिग्री वेस्ट, और मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रू बियरिंग है वो सेम रहनी है, मतलब यहाँ पर भी क्या रहनी है, नॉर्थ 26 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर से, अब ये नया क्वेश्चन आ गया एक तरह से मेरे पास, 3 डिग्री 30 मिनट और मैग्नेटिक बियरिंग और ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम फिर से डिक्लिनेशन बनाना, 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये आपकी ट्रू मेरिडियन होगी, तो वेस्ट का मतलब कहाँ की तरफ को रिफ्लेक्ट हुई है नीडल, ये, तो ये आपकी क्या मिली आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, पहले आप खुद ट्राई करें, फिर यहाँ पर देख के दोबारा से सॉल्व करें, ठीक है। देखो मेन चीज़ आपका समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें मैं इम्प्रूव कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, राइटिंग वगैरह की मेन चीज़ आपके समझ में आना चाहिए, आप लॉजिक समझो उन चीज़ों में, क्वेश्चन आपको इनफ मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर कोई भी उठा लें तो आपको ये पता चलेगा आप पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, क्योंकि एक होता है अंधाधुंध पढ़ना, एक होता है आपका क्वेश्चन क्या आ रहे हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जो अगर आपको ये पता चल गया, देखो किसी भी पेपर को निकालने के लिए आपको बहुत कुछ आना जरूरी नहीं है, आप एक बार उसका पैटर्न पढ़ना, आपको अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव कितने लगा सकते हैं, क्या उसका पैटर्न है, उस चीज़ को हमेशा पहले पकड़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, क्योंकि वेस्ट लिखा है मैंने, वेस्ट की तरफ को रिफ्लेक्ट कराई, ये आपका दे रखा 3 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये 3 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग तो मिल गई क्योंकि पहले से गिवन होगी एक तरह से यहाँ से, तो आपकी ट्रू बियरिंग कितनी दे रखी, नॉर्थ 26 वेस्ट, तो नॉर्थ 26 वेस्ट का मतलब कहाँ से होगी आपकी, ट्रू बियरिंग है तो हमेशा, अब ये काले से हो जाएगी क्योंकि ट्रू मेरिडियन से होगी हमें 20। आपको क्या निकालना है इसकी, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग इसकी कौन सी वाली होगी, ये वाली मैग्नेटिक मेरिडियन से जो भी होगी, ये एंगल इसकी मैग्नेटिक बियरिंग होगी, यही आपका फाइनल क्वेश्चन है जो आपने निकालना है। तो ये चीज कैसे निकलेगी, साफ साफ दिख रहा है ये 26 है, उसमें से मैं 3 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दूंगा, तो मेरे को सीधा का सीधा ये मिल जाएगा, और डायरेक्शन तो मुझे लिखनी है, क्या मैग्नेटिक बियरिंग बराबर, सबसे पहले डायरेक्शन ही लिख लो, छोड़ो, क्या मैग्नेटिक बियरिंग बराबर नॉर्थ वेस्ट तो आना ही है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आना ही है। अब आपको क्या करना है, अब देखो कभी कभी कैलकुलेटर नहीं होता, यहाँ पर 30 की जगह मैं 50 लिख देता हूँ, उसको माइनस कैसे करना है ये भी देखना है, तो आपको पता होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 26 डिग्री 00 मिनट, क्या लिख सकता हूँ, 26 डिग्री 00 मिनट। आपको पता है इसमें से आपको माइनस करना है 3 डिग्री 30 मिनट, वो माइनस करना है तब मेरा आंसर आ जाएगा। बस मैं आपको एक हल्का सा बता रहा हूँ, ये बहुत बच्चों को आता ही होगा कभी कभी, क्योंकि यह होता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको पता होगा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 मिनट, कितने होते हैं 60 मिनट।
तो यहां पर मैं 0 0 मिनट से 30 मिनट को माइनस तो कर नहीं सकता, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री को कैरी लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 डिग्री यहां पर कैरी लूंगा तो दैट इज मीन्स दैट इज 60 मिनट। तो 60 मिनट में से भी मैं 30 मिनट आराम से घटा सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, 60 मिनट में से 30 मिनट घटाया तो मेरा बचा 30 मिनट। अब ये जो 1 डिग्री तो यहाँ चले गया, अब ये कितना रहेगा, 25। तो 25 में से अगर आप 3 डिग्री घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट। एसएससी लेवल में बस इतना पूछा था, गेट वाले ने इसको डब्ल्यूसीबी में आंसर दे दिया था। तो डब्ल्यूसी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पता चल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 में से आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिक्लिनेशन का अलग टाइप, ठीक है। तो ये है, अगर आप किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है उस वाले पार्ट का कुछ, ठीक है। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, मैं इसको कंप्लीट करके आपको कोर्स की डिटेल वगैरह बताऊंगा। पर आप एक बात है कि इन टॉपिक्स को अगर आप समझ पाए हैं, आप प्रीवियस ईयर की बुक पकड़े, कोई सा भी क्वेश्चन उठाएं और इस प्रोसेस के थ्रू आप उसको सॉल्व करें, और मुझे लगता नहीं कि आप कहीं पर भी उस क्वेश्चनों में फंसेंगे। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना, बट पहले उन लॉजिकों को देखें, उस वीडियो को देखें, एक बार समझें बात क्या कही है, क्या WCB होता है, क्या QSB होता है, क्या ट्रू मेरिडियन होता है, क्या ट्रू बियरिंग होती है, क्या मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, क्या मैग्नेटिक बियरिंग। अब एक क्वेश्चन जो इसका लास्ट आता है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चनों में से एक तो डिक्लिनेशन ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग का आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि किसी भी इस लॉजिक पे कि किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तीसरा इसमें एक नोट आता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं आपको सीधा लिखा नहीं रहा हूं, नोट बता रहा हूं कि दिन के 12 बजे एट नून, नून का मतलब क्या होता है, दिन के 12 बजे, ठीक है। तो ये बोलता है कि दिन के 12 बजे किसी भी लाइन की जो ट्रू बियरिंग होती है वो या तो 0 डिग्री होती है या 180 डिग्री होती है। क्वेश्चन आता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि दिन के 12 बजे किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग या तो 0 डिग्री होती है या तो 180 डिग्री होती है। वो डिपेंड करता है कि सन आपका नॉर्थ ऑफ द साइड है या साउथ ऑफ द साइड है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बस पॉइंट है, वो तो लैंग्वेज है कि आपकी अगर कहीं क्वेश्चन में नून लिखा है तो आपको अगर ट्रू बियरिंग नहीं दी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उस लाइन की ट्रू बियरिंग या तो 0 ही होगी या तो 180 ही होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दिन के 12 बजे जो, ऐसा आपने सुना भी होगा पहले से, बोलते थे कि जो सूरज होता है एकदम हमारे सर के ऊपर बनता है। तो पहले से जो लोग भी होते थे, छाया वगैरह जो आपकी बनती है, वो टाइम वगैरह होता है, वो एक आपकी जो छाया बन रही है उसी से पता कर लेते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कि किसी भी लाइन की जीरो सॉरी टू बियरिंग होती या तो 0 ही होगी या तो 180 होगी, कितने दिन के 12 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो समझ लेता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो एक आपकी छाया भी क्या बनेगी, एक पॉइंट बनेगी। तो वो पॉइंट आपका यहीं पर होगा, आप यहीं पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका यही है और आप यहीं पर से ले रहे हो, तो आप ही के ऊपर बन रही है छाया। तो इसका मतलब जो लाइन होगी या तो इधर लाई करेगी या इस वाली पर करेगी। तो 0 होने का मतलब नॉर्थ में लाई करना, 180 होने का मतलब किस में लाई करना, साउथ में लाई करना, ठीक है ना। तो ये चीज समझने का मतलब है कि या तो लाइन यहाँ होगी या तो लाइन यहाँ होगी, बस आपका ये नोट है। अब क्वेश्चन क्या आया था, उसने क्या बोला था कि किसी लाइन की ट्रू बियरिंग है 100 सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग है 167 डिग्री, तो मुझे बताओ डिक्लिनेशन क्या होगा। और कंडीशन दी थी एट नून एंड द सन इज, चलो ये भी नहीं लिखता हूं। अब मुझे ये तो पता है कि, अब जैसे मैं चलो इसके दोनों क्वेश्चन करा देता हूं, अब मुझे ये तो पता है दिन के 12 बजे बोल दिया है, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है या तो डिग्री होगी 0 डिग्री होगा या तो आपका क्या होगा क्या कहते हैं 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ज्यादातर अगर नहीं भी दिया रहेगा तो उस चीज को भी समझते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो दिया था एट नून द सन इज साउथ ऑफ इट्स साइड, तो सन है कहाँ आया, साउथ ऑफ इट्स साइड। तो जहां पर आपने देखा नून की बात होगी है और साउथ ऑफ इट्स साइड की बात होगी है, तो इसका मतलब सीधे के सीधे ट्रू बियरिंग आपकी क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो जो ट्रू बियरिंग होगी इस लाइन की क्या हो जाएगी 180 डिग्री।
अब देखो यार, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप सबसे पहले क्या करो, डिक्लिनेशन बनाओ। पर यहाँ पर तो आपको केवल क्या निकालने के लिए बोल दिया, डिक्लिनेशन निकालने के लिए ही बोल दिया। अब मैं क्या करूँ, और फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव ऐसे दे देता है, ऑप्शन ए ऑप्शन दे दिया उसने 13 डिग्री वेस्ट, बी दे दिया 13 डिग्री ईस्ट, सी दे दिया 27 डिग्री वेस्ट, कुछ भी दे दिया, डी दे दिया नन ऑफ दी। अब देखो इतना तो मेरे समझ में आ रहा कि आपने इतने क्वेश्चन करके देख लिए हैं कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वही तो मेरा डिक्लिनेशन होता है। ट्रू बियरिंग, और हर क्वेश्चनों में आपने देखा एक तरह से मैं ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग को आपस में प्लस माइनस तो कर रहा था, उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वही तो मेरा डिक्लिनेशन हो रहा था। अब यहाँ पर यह भी समझ में आ रहा है कि अगर ये 180 है तो ये 67 है, तो कहीं ना कहीं 13 डिग्री होगा इसका आंसर। पर कन्फ्यूजन फिर से यह आता है कि ईस्ट होगा या वेस्ट होगा। जो दिक्कत की बात है वो है आपकी ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, ट्रिक तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। लॉजिकली अगर समझें, ट्रू बियरिंग आपकी 180 है, तो 180 आपकी अगर ट्रू बियरिंग है तो ऑब्वियसली वो एंगल कहाँ से होगा आपका, ट्रू मेरिडियन से, ठीक है। तो एंगल आपका अगर ट्रू मेरिडियन से होगा तो ये 180 कहाँ से कहाँ तक की होगा, यहाँ तक का, ये पूरी लाइन आपकी क्या होगी, 180 डिग्री। इसका मतलब जो ये लाइन होगी कहाँ लाई कर रही होगी, इसी के ऊपर लाई कर रही होगी, तभी तो इसकी ट्रू बियरिंग क्या होगी आपकी, 180 डिग्री। अब आपको यहां पर बनाना है डिक्लिनेशन कितना होगा, यहां पर आपको समझाना क्या है, डिक्लिनेशन कितना होगा। तो डिक्लिनेशन समझाने के लिए आपको एक चीज पता है, मैग्नेटिक बियरिंग 167 डिग्री होगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है। मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहां से होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन से होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा है इसमें आपका, ठीक है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये समझ में तो आ रहा 13 डिग्री है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईस्ट है या वेस्ट है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ रहा है फिर से कि लाइन तो यही है, तभी तो ये एंगल आपका 180 है। अब दो केस है, या तो आपकी निडिल ऐसे हो सकती है डिफ्लेक्ट, या ऐसे हो सकती है, या तो ईस्ट की तरफ को हो सकती है या वेस्ट की तरफ को हो सकती है। अब आप देखें, खुद सोचें, अगर आपकी, मैंने लेट अस सपोज निडिल आपकी यहां की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होती तो ये तभी आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन बोला जाता है ना। अब अगर मैं यहां से इस लाइन का एंगल लेता है ये, क्योंकि लाइन तो ये है, क्या ये 167 हो सकता है, लॉजिक की बात है, ये 167 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एंगल हमेशा 180 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ये एंगल हमेशा क्या होगा, 180 से ज्यादा ही होगा अगर ये वेस्टर्न डिक्लिनेशन होगा। तो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि निडिल आपकी ईस्ट की तरफ को ना डिफ्लेक्ट होगी, किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी, सॉरी वेस्ट की तरफ ना डिफ्लेक्ट होगी, कहाँ की तरफ को डिफ्लेक्ट हुई होगी, ईस्ट की तरफ। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये आपका, इसीलिए ये एंगल आ सकता है आपका कितना, 160, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए आपका क्या होगा, ये तो कितना आएगा आपका, 13 डिग्री ईस्ट। तो बस ये चीज़ों का आपने समझना है, ठीक है, कि कब आपका ईस्टर्न होगा कब आपका वेस्टर्न होगा। तो यहाँ से एक लॉजिक और समझ में आता है, अगर आपको माना मैंने एंगल 185 दे दिया, ये SSC का क्वेश्चन था फिर से, उसने मैग्नेटिक बियरिंग दे दी थी 185 तो, और दिन के बात कर दी थी, तो आपको ऑब्वियस है 185 आपका इधर से ही बनेगा, 180 से कम है तो इधर को ही बनेगा। तो कहीं पर भी आपका फिर से, अगर आपका एंगल क्या है 180 से ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक बियरिंग है तो डिक्लिनेशन होगा वेस्ट, और अगर मैग्नेटिक बियरिंग आपकी 180 से कम होगा तो डिक्लिनेशन होगा ईस्ट, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स थे इस डिक्लिनेशन के, खींचते खींचते बहुत लंबा भी खींच गया, ठीक है। तो ये आप इन क्वेश्चनों को आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर से आप देख लीजिए, आप IAS का देखिए, आप गेट का देखिए, आप SSC का देखिए, आप UP SSC का देखिए, कोई भी क्वेश्चन इन लॉजिकों के अंदर ही होगा आपका, बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बस डेमोस्ट्रेशन है, बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे मैं खुद ही देख रहा हूँ, एक तो राइटिंग की, राइटिंग थोड़ी बड़ा लिखने की ज़रूरत है मुझे, जो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ हो सकता है तेज है या हल्का है, वो आपको मैं, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो आपका बेसिकली हम इस चीज़ के लिए UK SSC जो आपकी पेजल में पोस्ट आई हैं, ठीक है, 221 करीबन, उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं आपको। तो इसमें आपका सारा कोर्स कवर करेंगे हम, जैसे आपका सर्वेइंग से लेके, आप ये सर्वेइंग में क्लास ले रहा हूँ, इसके अलावा आपका सोम FM, ये सारी क्लासें आपकी जो जो होती हैं हाईवे वगैरह, तो AAD टीम के साथ हम जुड़ के ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन के साथ साथ आपको देंगे, जो आपका एक बहुत बढ़िया पैकेज रहेगा, ठीक है। तो आप इसके थ्रू भी उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो बाकी ये एक डेमोस्ट्रेशन था, बाकी आगे को हम और प्रॉपर करेंगे। थैंक यू।